रूट के तमाम ठीक है चाइल्ड को उठा के ले आएगा। देखो उसमें स्टार्ट बुक स्टोरेज से कर रहा है, फिर बुक, देन टाइटल, देन ऑथर। देखो याद चेक जरा करना, पहले ये किस पे आया, बुक स्टोर पे गया, ठीक है बेटा, फिर क्या किया इसने, बुक, ये जो है ना क्या नाम है, बुक बुक पे आया, ठीक है बुक पे आ गया, फिर टाइटल पे आया, देन ऑथर, ईयर, प्राइस्ड, ठीक है बेटा, फिर दोबारा बुक पे आ जाएगा। प्राइस के बाद कहाँ आ जाएगा, दोबारा बुक पे आ जाएगा। अब ये बेटा देखो यहाँ तक जो है ना, बेसिकली ये इसका पहला सारे एलिमेंट्स आ गए, पहले इसके बेटा जो चाइल्ड के, ये इसके, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बस इस तरीके से, दूसरा देन सो ऑन। ठीक है अगर हम चेक करना हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से नाम है, ठीक है बेटा, हम अगर ट्री चेक करना पूरा तो इस तरह चेक चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा अभी कोड वगैरह क्या, पाइथन का कोड समझाने के, ठीक है बेटा, ये जो है हम सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, अब कोड काम कैसे कर रहा है ये आपको पता होगा। हमारा बेसिकली फोकस यहाँ पे क्या है, ये मेथड है जिसका नाम मैटर। अब मैं कोड को समझाने भी नहीं जाऊँगा आपको, ठीक है ना, ठीक है। बेसिकली ये अगर आपको याद हो तो बेटा ये किसे पता क्या बोलते हैं हम लोग, ये लिस्ट के अंदर ये जो कोड हुआ है इसका खास नाम होता है, किसी को पता है इसका नाम क्या होता है, याद है किसी को, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, याद है ना, सब सो रहे हैं। सब ठीक है जी, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है बेसिकली, ठीक है जी। तो ये क्या नाम बेटा हो गया, उसके बाद आप अपने क्या नाम इसको प्रिंट करना है, जो आपने पूरा एग्जाम्पल को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको क्या नाम है बेटा, यहाँ पर हमने इनकोडिंग टेक्निक दी है इसकी, क्योंकि अगर आप इसको हम इस पर इनकोड डिकोड नहीं करेंगे ना बेटा तो क्या करेगा, देखो सिंपल था वो प्रिंट कर देगा। अगर मैं इनकोडिंग टेक्निक इसमें यहाँ पर इसको नहीं देता, देखना किस तरह से प्रिंट करता है इसको, बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट की तरह प्रिंट कर देता अगर इसको इनकोड डिकोड नहीं करता मैं, ठीक है। अवल तो खैर इसको नहीं, सॉरी, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर इसने प्रिंट तो कर दिया, लेकिन जो है ना इसने इसको प्रिटिफाई नहीं किया, ठीक है, बेसिकली वो इसको ठीक है सही से पार्स नहीं किया इसको, ठीक है ना। तो बेटा अगर हमने इसको पार्स करना होता तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसमें, क्योंकि इसके अंदर स्लैश एन जो है ना, बेसिकली इसको वो इधर टेक्स्ट ले रहा है वो, ठीक है ना बेटा, उसके अंदर टैब जो आ रहा है, डिफरेंट टैब्स वगैरह आ रहे हैं, डबल एन को इंटर आ तो रहा है लेकिन इंटर को पार्स नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये ठीक है बेसिकली क्या नाम है, ये ठीक है कोड्स होते हैं, अगर आपने इनको बेटा चलवाना है, इन पर काम करना है, तो आपने इसको इनकोड डिकोड करना पड़ता है। तो बेटा क्या होता है, ये आपका जो ये पाइथन पहले ये इनकोड करेगा अपने आपको उसके अंदर, फिर पाइथन आपको जो इंटरप्रेटर उसको डिकोड कर देगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से इसको ये स्पेसिस को, एंटर को, स्लैश एन को, स्लैश टी को, ठीक है ई करके इस तरह शो कर देगा आपको, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल शो हो जाएगी इसी यहाँ पर। अच्छा उसी बाद बेटा क्या ना, यहाँ पर अब डिफरेंट, अगर लेट सपोज मुझे सिर्फ बुक, ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, जो बुक है ना मैं, ठीक है यहाँ पर एलिमेंट का नाम बुक दिया, सिर्फ उसी की ही क्या नाम है बेटा मैंने उसके ऊपर, अच्छा यहाँ मूवी लिख दिया मैंने उसी के लिए, ये बुक होगा क्योंकि एक मूवी की फाइल भी है, तो मैंने मूवी को यहाँ पर मिक्स कर दिया बुक से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली हम जा रहे हैं रूट पे, जा रहे हैं रूट के अंदर जो हमारे पास बुक, बल्कि अब तो यहाँ आ भी गया ना, रूट में गए, ठीक है बेटा, रूट के अंदर बुक पे गए, ठीक है ना। अब बेसिकली इसने तमाम बुक के एलिमेंट उठा के लिए आए, ठीक है, साइटेशन तो की, ठीक है, लेकिन बेटा सिर्फ किसी बुक पे की है, तो सब बुक उठा के लिए आए, ठीक है ना बेटा, जो कि चार बुक के एलिमेंट हैं, और ठीक है इसमें क्या नाम है बेटा, पहले की इसकी उस बुक के एलिमेंट की, ठीक है बेटा, एट्रीब्यूट्स लेके आ रहा है, ठीक है। पहले के एट्रीब्यूट क्या है, कुकिंग है, दूसरे का चिल्ड्रन, तीसरे का वेब, एंड फोर्थ, चौथे का देख सकते हैं आप लोग, पहले का कुकिंग है बेटा, दूसरे का चिल्ड्रन, थर्ड का वेब है, फोर्थ के दो एट्रीब्यूट्स हैं, कैटेगरी और कवर, ठीक है जी। उसके बाद ठीक है टाइटल, ठीक है टाइटल का उठा के जाएगा, सिर्फ टाइटल के अंदर था। देखो यहाँ पर क्या है, टाइटल का टेक्स्ट उठा रहे हैं हम लोग, हमने करके आ रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर हमने इसको बेटा क्या नाम है ये जो, अच्छा मैंने इसको भी टाइटल लिख दो, ठीक है डिस्क्रिप्शन, ठीक है कोई पता नहीं। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, आप देखें यहाँ पर आकर बुक के अंदर जाएंगे ना, बुक के अंदर, बुक स्टोर के अंदर बुक है, बुक के अंदर टाइटल है, ठीक है, टाइटल के अंदर बेटा ये जो है ना, मैंने कहा था ये जो है ना, ये कंटेंट कहलाएगा, ये टेक्स्ट कहलाता है बेसिकली, ठीक है। अगर मुझे ये पढ़ना है, ठीक है बेटा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहा कि मैंने ठीक है एट्रेशन की, उस रूट में गया, मैंने टाइटल को ढूंढा, ठीक है बेटा, रूट पर आ गया वो, टाइटल टाइटल मिल गया उसको, ठीक है। अब टाइटल पर जाके जितने टाइटल है, एक ये रहा, एक टाइटल ये रहा, अगर ठीक है टाइटल पर तुम्हारा ये रहा, ठीक है बेटा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक चार टाइटल होंगे, ठीक है बेटा, उनके टेक्स्ट को पार्स कर रहा है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एट्रेशन की बेटा, और उसको टेक्स्ट को शो कर दिया, तो यह क्या हुआ, टाइटल शो कर दिया इसने, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है अभी। इस तरीके से ठीक है बेटा ऑथर भी होगा, ठीक है, हमने ऑथर का बेटा निकल, अब यहाँ पर ऑथर कितने हैं, यहाँ पर ठीक है ऑथर कितने आ रहे हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एक ऑथर है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात और आठ ऑथर ने बेटा क्या कह रहा है, ये ऑथर उठा लिया, ठीक है ना।
अच्छा मुझे अगर यहाँ पे एयर चाहिए एयर भी कर सकता हूँ बेटा सिंपल। यहाँ पे मैं इसको अगर यहाँ कर चेक कर लिया मैंने आके कि भाई इसमें कितने एयर से, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा इसको ऑथर लिख ताकि वो ऑथर, ठीक है जी। और यहाँ पर एयर, ठीक है बेटा एयर दिखा रहा है। अच्छा उसके बाद ठीक है बेटा यहाँ पर एक्स बात, ठीक है एक्सप्रेशन होती है, ठीक है जिस अगर बेटा हमें ये होता है कि हम देखो, एक तो होता है कि हम डायरेक्ट इसको मतलब अभी तो ये सिंपल है कि चलो यार हमने मतलब फला एक रूट दिया, रूट के अंदर बुक ढूंढ लिया। देखो बेटा एग्जाम्पल इतनी सिंपल नहीं होती जितनी यहाँ पे दिख रही है आपको एग्जाम्पल। उसके अंदर क्या होता है टैक्स, टैक्स पे मल्टीपल टैक्स आ रहे होते हैं, फिर डिफरेंट टैक्स। हमें बेटा क्या करना था, हमें बेसिकली उस ना डिफरेंट टैक्स पे ठीक है बड़ा हमें स्मूथली जाना हो रहा था। हम ऐसा करते हैं जैसा हम लोग ये आपके पास लिनक्स के अंदर ही होती है, हायरार्की होती है कि हमें इस ड्राइव के अंदर फला फोल्डर में, फला फोल्डर, फला फोल्डर में जाना है। हम स्लैश लगाते रहते हैं, स्लैश फला फोल्डर स्लैश उसके अंदर, ठीक है उसके अंदर वाला फोल्डर, उसके अंदर वाला फोल्डर, ठीक है। बेसिकली ये भी एक फोल्डर ही है ना, ये आपका मेन फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर बुक है, उसके अंदर एक फोल्डर, ठीक है ये। एंड इसके ऊपर इसके अंदर मल्टीपल्स और ठीक है टैग्स भी हो। तो बेटा हमें चाहिए होता है बेसिकली उसका पाथ हम दें, लेट्स सपोज मुझे यहाँ तक पहुँचना है अगर ये एयर तक, इसका पाथ क्या बनेगा, बुक स्टोर स्लैश बुक स्लैश एयर, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है ना। अगर मुझे कहना है बेटा यहाँ पर इस जगह पहुँचना है, इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ ये होगा बुक स्टोर, बुक स्टोर के बुक का दूसरा एलिमेंट, बुक के देखो बेटा पहला एलिमेंट ये है ठीक है, वन पे टू पे, तो बुक स्टोर का दूसरा एलिमेंट ये है और दूसरे एलिमेंट के एयर की वैल्यू आती है, ठीक है बेटा। ये बेसिकली पाथ कहलाता है ये, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हम इसको लूप के बजाय हम एक सिंपल पाथ दे रहे हो, उस पाथ से डायरेक्टली बेटा हम पर्टिकुलर जगह पहुंच जाए, ठीक है ना। तो अब ठीक है बेटा यहाँ पर एक्स पाथ ठीक होता है, यहाँ ठीक है यहाँ पर अगर मैं ठीक है बेटा ये क्या होता है सिंपल, इसका मतलब है कि अगर मैं चला उसका आउटपुट क्या आएगा देखो जरा पहले, ठीक है बेटा करके आ रहा है। बेसिकली ये बुक का जो पहला एलिमेंट है ना, ये इसका मतलब है ये जो रूट है ना, डॉट का मतलब जैसे लिनक्स में होता है, डॉट का मतलब करंट जहाँ पर ठीक है ये हैगा, ठीक है रूट पर ठीक है बेटा बेसिकली जा रहा है, इसका मतलब रूट है, ठीक है रूट हमारा बेसिकली क्या बुक स्टोर है, ठीक है रूट, ठीक है रूट के अंदर बुक पे जाओ, रूट पे गया बेटा, रूट पे बुक पे आ गया। अच्छा बुक का कौन सा एलिमेंट, बुक का पहला एलिमेंट, ठीक है बेटा बुक का पहला एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि बेटा बुक यहाँ पे जो है ना बेसिकली एक दो तीन चार एलिमेंट्स हैं, तो बुक का पहला एलिमेंट ये होगा, ठीक है बेटा। और वहाँ जाओ और उसका पहला एलिमेंट उठा के ले आओ, उसका एट्रीब्यूट उठा के ले आओ, ठीक है बेटा। तो यहाँ आ जाओ और तो क्या करें बेटा ये उसके पहला एलिमेंट का उठा के ले आओ एट्रीब्यूट, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे का भी इसमें आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा ये जो एक्सप्रेशन है बेटा इट इज कॉल्ड एक्सपाथ एक्सप्रेशन। अच्छा एग्जाम्पल के अंदर बेटा ये एक्सपाथ ठीक एक्सप्रेशन होती है, एग्जाम्पल के अंदर काफी चीज होती है, एक्सएमएल के अंदर एक्सएसडी होती है, डीटीडी होती है, मैं लास्ट टाइम बात की थी, एक्सएमएल के अंदर एक्सएसएलटी होती है, एक्सएमएल के अंदर एक्सक्यूरी होती है, ठीक है एक्सएमएल के अंदर मतलब बेटा मतलब एक्सएसडी होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एक्सएमएल से रिलेटेड काफी चीजें होती हैं, एक्सएमएल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है, लेकिन ये बहुत ही मतलब जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव एक जो है ना तरीके की लैंग्वेज है, इस पर आप काफी चीजें ठीक है बेटा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये बेटा एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपाथ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा ये हो गया, इसका मतलब होगा लास्ट एलिमेंट उठा के लिया आएगा, उसका एट्रीब्यूट उठा के लिया आएगा, लास्ट मतलब बेटा मेरा कौन है बुक का लास्ट, ठीक है ना बुक का लास्ट एलिमेंट वो कौन है, वो ये रहा, ठीक है बेटा उठा के इसका वेब और उठा के लिया आया, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या नाम है ये हो गया, अच्छा सेकंड लास्ट, अच्छा बेटा -1 का मतलब क्या, सेकंड लास्ट बेटा बुक के भी तो सारे, तो बेटा पर्टिकुलर कॉल कर सकते हैं ना यहाँ पर आकर, ये पर्टिकुलर कॉल तो कर रहे हैं हम लोग, बताता हूँ आपको आगे आगे है ऐसी मार है या लेट्स सपोज यहाँ आ जाओ ना आप, यहाँ आके अभी कर सकते हो, जैसे बुक टू है ना आप यहाँ पर टाइटल लिख दो, आप टाइटल पर आ जाएगा वो। अगर मैं इसको जरा दिखाता हूँ आपको, अगर मैं आता हूँ उसको कॉपी करता हूँ ठीक है, जैसे मुझे इसके अंदर बुक टू पर आ गया बेटा, स्लैश टाइटल लगा दिया आपने, अब टाइटल पर आ जाएगा ये, ठीक है टाइटल लिख दो यहाँ पर आकर, ठीक है टाइटल और टाइटल डॉट टेक्स्ट लिख दो, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या हुआ, बुक टू पे गया मैं, ठीक है बुक टू पे गया, बुक टू कौन है, ये 1 2, ठीक है बुक टू के टाइटल पे गया बेटा, टाइटल पर टेक्स्ट उठा लिया मैंने, ये रिपोर्ट आ गया, ठीक है बेटा ऐसा क्लियर है, क्लियर ठीक है जी। तो इसके अंदर आप मतलब हायरार्की है ना बेटा, बेसिकली क्या नाम है हायरार्की, अगर टाइटल में मल्टीपल हो तो आप उसके अंदर भी लगा दोगे भाई टाइटल कौन सा, फिर यहाँ बेटा यहाँ लगा दो टाइटल कौन सा, टाइटल पहला, ठीक है। तो ये बेसिकली समझ लो कि हायरार्की बनती रहती है इस तरीके से।
ठीक है बेटा यहाँ पर आके ठीक है इसका लास्ट निकाल दिया, सेकंड लास्ट निकाल दिया, तो यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हो, लॉजिक भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज के एयर बोले क्या हो, जो पर्टिकुलर आपने एयर पर लॉजिक लगानी है, ठीक है ना। लेट सपोज कि ये एयर, ठीक है बेटा अब यहाँ पर देखो, तो मैंने कौन सा एयर लगाया जो जिस मैं बुक में गया, ठीक है बुक पर ढूंढा एयर, ठीक है बेटा बुक पर आ गया मैं, ठीक है बुक पर आ गया उसका एयर ढूंढा बेटा। अब देखो एयर यहाँ पर मल्टीपल एयर आ रहे हैं, ठीक है देखो यहाँ पर मल्टीपल एयर, एक एयर ये आ रहा है, ठीक है आ रहा है एयर कि जिनका पर्टिकुलर, ठीक है बेटा मैंने यहाँ लॉजिक लगाएगा जो जो जिनके एयर थ्री, ठीक है जिनके दो एयर यार है। सपोज कि मैं वो लगाता तुम बेटा से वो दो, लिया तो 5 लिया, मसला कोई ठीक है जी। अच्छा बेटा अच्छी को ही हमने बेसिक देख लिया, किस ने इस तरीके से एक और मैं ना एक्सएमएल फाइल, अच्छा कर सकते हैं तो मुझे पे काम कर लिया, ठीक है तो ठीक है बेटा मूवी एक्सएमएल पे जरा सा खोल लेते हैं, ठीक है भाई मैंने खोल ली, ठीक है ना बेटा। तो अगर मैं इसको थोड़ा वो करूँ तो बेटा क्या है यहाँ पर सबसे, मैं के अंदर ठीक है डिफरेंट जेनर है मूवीज, ठीक है ठीक है, और कौन से एयर की है उस मल्टीपल हायर की कलेक्शन में सब आ रही हैं, जनरी जो है एक एक्शन और एक जनरी किसकी है कॉमेडी। जनरी के अंदर क्या नाम है बेटा, डिफरेंट की मतलब डेकेड की जो है डिफरेंट क्या नाम है, नाम दिए हैं को ना, ये अक्सर उसकी तो एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, तो कुछ तो मतलब डेटाबेस तो आपकी साइट की पर के अंदर डिफरेंट चीजें आ रही हैं, ठीक है अब इन पे जरा बेटा हमने यहाँ पर जो है ठीक है इसको देखते हैं। और सबसे पहले बेटा हमने वही इसको पाइथन की तरह, ठीक है बेटा हमने बताया कि इस मूवी का एक्सएमएल बेटा हमने लगा दी इसके अंदर। अब इसका रूट टैग क्या है, उसका रूट टैग यहाँ पे कलेक्शन है, ठीक है यहाँ पे कलेक्शन आ गया, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद क्या नाम है इसके एट्रीब्यूट, कौन से कलेक्शन के एट्रीब्यूट यहाँ पर नहीं है डायरेक्टली बेटा, इसको एट्रीब्यूट नहीं कलेक्शन का नहीं आ रहा, ठीक है एम टी आ रहा। अच्छा उसके बाद क्या नाम है, अब वही वही वाली कहानी जो हमने यहाँ पे की थी, ठीक है बेटा यहाँ पर जो है उसके रूट के डायरेक्ट चाइल्ड कौन से हैं, ठीक है बेटा उसमें 3 चाइल्ड हैं कैटेगरी एक्शन, ठीक है बेटा नाम क्या है उनका, बेसिकली उनका नाम जेनरी, देखो यहाँ पर रूट के डायरेक्ट चाइल्ड 3 है, ठीक है जेनरी एक्शन थ्रिलर कॉमेडी, ये दिखा रहा है आपको भाई एक्शन थ्रिलर कॉमेडी, ठीक है ना। और तो उसके बाद क्या नाम वही, ठीक है एलिमेंट सब निकालने बेटा अपने एट्रेशन लगा दी, ठीक है ये आपको सारे एलिमेंट्स दिखा देगा, ठीक है जी। तो वही सारी सब सब चीजें वही हैं। अच्छा आपने इसको बेटा अगर यहाँ पर पढ़ना है इसको अपने पास, तो आप इस तरीके से मतलब इसको ठीक है रिकॉर्ड कर सकते पढ़ सकते हैं, सारे काम पहले भी ले चुके हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पर आकर क्या नाम है बेटा, आपने वही आपने मूवीज के कौन से एट्रीब्यूट निकालने हैं बता रहा भाई आपको आके, कि भाई जो इसके अंदर जो पर्टिकुलर टैग मूवी है ना बेसिकली वो दिखा रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पर जनरल मांगे ना बेटा इसके अंदर मूवी, इससे उसी टैग पे जाएगा बेटा उसके एट्रेशन करेगा ये, ठीक है ना। तो आपको दिखा रहा है भाई कि जो टैग मूवी है ना मतलब उसका बेसिकली एट्रीब्यूट दिखा रहा है, उनके नाम दिखा रहा है,
बेसिकली हमारा तो कंसर्न टाइटल का है, ठीक है ना, टाइटल, ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है दिखा रहा है बेसिकली कि मूवी का, ठीक है, टाइटल यहाँ इसमें तो ये दिखा रहा है कि बेसिकली मेरे पास ये सब टैग जो है ना बेटा, इन्हीं के, ठीक है, टाइटल की मूवी रखी हुई, मतलब कितनी मूवीज हैं, एक दो तीन, मतलब जो भी बेटा काउंट कर लीजिएगा ये 10 से 12 मूवीज यहाँ पर सारी आ रही हैं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या ना बेटा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे लगा दो कि मूवी की डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उठाकर सब आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद ये चीज़ थी कि बेटा यहाँ थोड़ा क्या नाम है, वही चीज़ है लेकिन थोड़ा क्या नाम है यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट हायरार्की है यहाँ पर। अब बेटा मुझे यहाँ पर जो है ना सिर्फ वो मूवी निकालनी है जिनका क्या नाम है एयर 1992 हो, ठीक है ना बेटा, आपने इसको लगा दिया तो बेटा उससे वो लेकर आ रहा है जिनके 1992 के टिकट आ रहे हैं। चेक कैसे कर सकते हैं बेटा आप लोग, यहाँ पर हर किसी में एक मूवी के अंदर एयर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर वो दिखा लिया है जो सिर्फ 1992 की मूवीज़ हैं वो टिकट दौड़ उठा लिया है। अच्छा अच्छा उसके अंदर बेटा यहाँ पर आप एट्रीब्यूट भी, ठीक है, लगा सकते हैं, ये क्या नाम है ये इसकी लॉजिक वो कैसे लगा सकते हैं बेटा, लेट्स सपोज के आप वो लेकर आओ जिन जिनके जो एट्रीब्यूट मल्टीपल की वैल्यू यस है, ठीक है ना। अब चेक कैसे करें बेटा, देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि जनवरी में गए, डेकेड में गए, मूवी के अंदर फॉर्मेट के अंदर टैग में गए, उसका एट्रीब्यूट है यस, ठीक है बेटा, उसकी वैल्यू उठा के लिया सकते। अब हम चेक करते हैं, हम जनवरी में गए, ठीक है, जनवरी के अंदर डेकेड में गए, ये जनवरी में डेकेड में आ गए, ठीक है बेटा, डेकेड के अंदर मूवी के अंदर गए, मूवी के अंदर आ गए, फॉर्मेट में गए, अच्छा जिनकी बेटा वैल्यूज मल्टीपल की यस है ना सिर्फ उठा के ले आएगा वो, ठीक है ना, तो उठा के ले आया, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पर, अब इसका आउटपुट मुझे को बताएगा इसका आउटपुट क्या आ रहा है, अगर आप देखें पहले सेम काम है लेकिन यहाँ पर 3 डॉट लगे हुए हैं, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, चलो छोड़ो आपको शायद पता हो किसको ना पता हो, ठीक है बेटा, इसका मतलब पैरेंट होता है। देखो हमारा काम बेसिकली होता है, हम चाहते हैं कि यहाँ देखें ना बेटा आप, यहाँ पर बेसिकली हमारा, लेट सपोज कि मुझे सवाल मेरे बनता है कि आप उन मूवी का नाम उठा के लेकर आओ, उन मूवी का नाम लेके आओ जिन जिनके फॉर्मेट का एट्रीब्यूट यस, मल्टीपल यस है, उन मूवी का नाम लेकर आओ जिनका फॉर्मेट का जो बेटा एट्रीब्यूट मल्टीपल की वैल्यू यस है, ठीक है। अभी यहाँ पर से यस दिखा रहा है कि बेसिकली दिखा रहा है कि 5 मूवी ऐसी हैं जिनका बेसिकली एट्रीब्यूट यस है लेकिन मूवी के नाम नहीं आ रहे, ठीक है बेटा। अच्छा मूवी का नाम कहाँ आ रहा है, अगर आप यहाँ फोकस करें ना बेटा, देखो इसी ही एट्रीब्यूट के जो ऊपर का टैग है ना पेरेंट, वो मूवी है, ठीक है बेटा, इसका जो पेरेंट टैग है ना बेसिकली वो मूवी है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ तक पहुंच जाऊँ, मतलब मैं पहले यहाँ पहुंचूँ कि यस वाला कौन सा है, लेट सपोज यस वाले कौन से है, मैं इस मूवी बात हूँ यस वाला ही है, ठीक है बेटा, मैं यहाँ तक पहुंच गया। अगर मैं उसी का पेरेंट उठा लूँ, उसका पेरेंट बेटा क्या आ रहा है डायरेक्ट, उसका टैटू उठा लूँ टैटू आ गया, तो बेटा इस तरीके से मुझे कौन से यस है उनकी मूवी का नाम मिल सकता है मुझे, क्लियर है चीज़ें। तो बेटा यहाँ पर 3 डॉट लगा देंगे ना, इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर बेसिकली आप उसके पेरेंट तक पहुंच गए, ठीक है। आप देखो बेटा क्या कर रहा है, सिर्फ उसके पेरेंट का, ठीक है, नाम यहाँ पर, ठीक है, दिखा रहा है आपको, ठीक है ना, बताइए वो दिखा रहा है जिनके बेसिकली बेटा जिनके मल्टीपल की वैल्यू यस थी उनके पेरेंट के नाम दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब उसे वो मूवी दिखा रहा है जिनके बेसिकली फॉर्मेट के बेटा मल्टीपल की वैल्यू यस थी, ठीक है, वो दिखा रहा है, क्लियर है। अच्छा इसके अंदर अच्छा मैं आपको बता दूँ बेटा कि एग्जाम्पल जो है ना, वही वही बात है कि ये बहुत डिटेल्ड चीज़ है, इसको आप मतलब मैं आपको सिर्फ हैंड्स देके देके निकल रहा हूँ, इसके अंदर आप बहुत एक्सटेंसिवली जो है ना, ठीक है बेटा, इसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं, तो इसको अगर आपने और पढ़िएगा, ठीक है, इसको आप जो है मतलब एक्सप्लोर कीजिएगा इंटरनेट वगैरह, अच्छा आपका इतना ज़्यादा इतना एक्सटेंसिव काम इस पर खैर नहीं होगा, आपके पास बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है नेटवर्क के अंदर, हाँ लेकिन जो वेब डेवलपमेंट करता है ना उसको तो बड़ा एक्सटेंसिवली चीज़ें देखनी होती हैं, एक एक नोड पर जाके उसको डिफरेंट, वो जावास्क्रिप्ट भी आई थी वहाँ पर, तो ठीक है उसको फिर डिफरेंट वहाँ पर लाइब्रेरी की होती है, वेब डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से तो बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से बेटा ये भी बहुत है आपका, ठीक है, आपको नो हाउ छोटी मोटी भी है तो बेटा आपके लिए बहुत है, आपको इतना ज़्यादा डीपली चीज़ों में नहीं जाना पड़ रहा होता, बस सिंपल एग्जामिन होती है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती कि उसके अंदर उसकी हायरार्की नहीं होती इतनी, वेब के अंदर तो बहुत स्ट्रक्चर पूरा होता है ना वेब का, वो मतलब मल्टीपल टैग्स उनकी डिजाइनिंग, तो फिर ये तो फिर वो, तो वहाँ पर बड़ा एक्सटेंसिवली काम हो रहा होता है, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव में टेका बेटा ये चीज़ें भी बहुत, लेकिन अपने ओन पे इसका काफ़ी पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें मतलब यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं कि जो चीज़ें आपको मतलब आनी चाहिए, ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई सवाल किसी को, कोई भी सवाल किसी का, बेटा अभी आगे आ रहा हूँ ना मैं, भी क्या नाम है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अभी आगे सब चीज़ आएंगी वहाँ पर, अभी आपका क्या नाम है आगे जिंजा टेम्पलेट पे आएंगे ना, वहाँ सब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ही है, अभी आगे सेगमेंट चल रही है पूरी, आपको अभी इसमें चीज़ आ जाएंगे, नेटवर्क की भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं,
और आपकी बुक में तो नेटवर्क ही दी हुई काफी एग्जांपल्स, तभी तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि बेसिकली ये यहाँ तक किसी को मसला है तो बताओ, नेटवर्क की काफी एग्जांपल भी आगे आएंगे। बेटा ये अट्रैक्शन देखो इसका मतलब अल्टरेटर कर ही रहा है कि रूट के तमाम, ये भाई कर ही रहा है कि बेसिकली रूट एलिमेंट पे आप आ गए बेटा, ये अट्रैक्शन कर रहा है उनके तमाम एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है, मतलब रूट है ना बेटा ये, इस पर तो ये तमाम एलिमेंट्स जाएगा, यहाँ भी जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, मतलब ये अट्रैक्शन करते हुए यहाँ 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 और यहाँ आ रहा होगा, ठीक है, मतलब इसके अंदर आइटर के अंदर बेटा, इसके अंदर रूट के तमाम एलिमेंट जो इसके चाइल्ड हैं जो ग्रैंड चाइल्ड हैं सब वैल्यूज उसमें आ रही होती है, ठीक है। अब बेटा ये बोल रहा है कि आइटर को वहाँ लेके जाओ, मतलब आप डायरेक्टली ना बेसिकली उठ के यहाँ जंप यहाँ मार लो, इसका मतलब है रूट के अंदर आप इस पे जंप मार लो, रूट पे जाओ, ठीक है, रूट के अंदर बेटा टाइटल कहाँ आ रहा है, टाइटल कहाँ आ रहा है इसका, सॉरी एक सेकंड, ये मूवी है ना, मूवी मूवी कहाँ आ रहा है, मूवी आ रहा है तो जंप यहाँ मार देगा ये, ठीक है, इसके अंदर बेटा उस रूट के तमाम चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड सब आ रहे होते हैं, क्लियर। अच्छा बुक्स बुक पढ़ते हैं अपनी, आप चैप्टर वगैरह तो मैंने दिए आपको, पढ़ते हैं आप लोग जो बुक हमारी आपको रिकमेंड की गई है, पढ़ते हैं आप लोगों। तो उसको बुक जरा पढ़े थे वहां बेटा, वहां आपको काफी एग्जांपल मिल जाएंगे बुक की भी। ठीक है जी, अच्छा यहाँ तक ठीक है बेटा, क्लियर है क्या नाम है, ये चीजें हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं, और ठीक है ये हो गया, ये हो गया। अच्छा XSD, अच्छा बेटा XSD क्या होता है, जिस तरीके से क्या नाम है लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ये तो अच्छा ये तो ये सिंपल टिकट बेटा एग्जामिन लैंग्वेज है, लेकिन देखो हमें क्या होता है बेटा यहाँ पर जैसा ना, अगर मैं आपको कोड दिखाता हूँ, ठीक है बेटा, अब यहाँ पर होता है कि लेट सपोज हम इसके अंदर कोई वैलिडेशन नहीं है, मतलब हमें क्या करना पड़ता है अभी, अच्छा ये जो है ना ह्यूमन मतलब जो है फ्रेंडली लैंग्वेज है, आप क्या पता डिकेट की स्पेलिंग ठीक है अगर लिख दें, ठीक है यहाँ पर डिकेट की स्पेलिंग जो है ना कुछ और यहाँ लगा रही हो, ठीक है, तो यहाँ पर लेट सपोज मुझे लिमिट करना हो कि इसके जो एयर्स है ना, मतलब ये एट्रीब्यूट मैंडेटरी है, ठीक है मुझे ये लिमिट करना होगा, अच्छा मुझे ये किसी को लिमिट करना होगा यार इसके अंदर जो ये मूवी के अंदर ये जो एलिमेंट्स है ना ये बस चार ही होंगे, पांच एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, अच्छा मुझे रेंज देनी हो कि भाई इसमें एयर जो होगा ना उसकी रेंज ही होगी, ठीक है वो होगी, सही बेटा, तो ये मतलब मुझे जो है ना डिफरेंट मतलब एट्रीब्यूट्स ये मुझे देना होगा भाई, जनरी का जो है ना बेसिकली ये कैटेगरी का एट्रीब्यूट लाजमी होगा, क्यों, ताकि पार्सिंग के वक्त एरर ना आ जाए, ठीक है बेटा, होता है ना कि लेट सपोज आपने मतलब कोई आप एग्जाम्पल फाइल ठीक बना रहे हैं, आप किसी सेशन से जनरेट करवा रहे हैं, तो बेटा होता है क्या कि हम चेक करते हैं कि यार पार्सिंग करते हुए कुछ लिमिटेशन लाजमी, कुछ रिस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट्स लाजमी होते हैं कि यार कि ये वैल्यूज इतने इतने टैग्स हों, उन टैग्स के अंदर ये एट्रीब्यूट्स हों, उनकी वैल्यूज ठीक है इस रेंज में हो, तो बेटा हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर डेटा मॉडल लगाना पड़ता है, ठीक है, या स्कीम बताना पड़ता है, स्कीमा की बात हमने पहले भी की थी, ठीक है, स्कीम पता है बेटा जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी, हम क्वालिफाई की बात कर रहे थे, उसके अंदर क्या नाम है जो हमारा यमल था, हम लोग तो क्वालिफाई को देखा था हम लोगों ने बेटा, याद है हम लोग भूल गए, ठीक है, तो वहाँ बेटा क्वालिफाई का क्या कर रहा था बेसिकली, वो यमल को बेसिकली क्या कर रहा था वो उसको ठीक है उसके ऊपर कंस्ट्रेंट ठीक अप्लाई कर रहा था या उसके ऊपर डेटा मॉडलिंग कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या नाम है बेटा यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल के अंदर भी एक बहुत ही, इसमें दो तरह के स्कीमा होते हैं, एक DTD होता है, DTD ठीक है, जो कि मैं कवर्स में नहीं कर रहा, वो काफ़ी ओल्ड भी है और जो कि आजकल यूज़ भी नहीं करते, तो XSD जो है ना बेटा ये स्कीमा होता है इसका बेसिकली क्या नाम है, तो ये हम ठीक इस्तेमाल करते हैं और इसी की बात करेंगे, ये कौन सा डेटा पास करना है इस हम स्कीमा में डेटा करते हैं जी, ठीक है बेटा, तो क्या नाम है ये ठीक है एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर जो है ना XSD के थ्रू हम ठीक है इसकी जो है ना पार्सिंग इसकी हम इसको चेक करेंगे वैलिडेशन को, ठीक है बेटा हम जो XML फाइल बना रहे होंगे हम उसको इसके स्कीमा के थ्रू चेक करेंगे भाई, क्या ना ये स्कीमा इसको इन्फोर्स करवाएंगे भाई कि ये जो उसने रूल दिए हैं इसको इसको XML इन्फोर्स करें हमारे, ठीक है ना बेटा, अच्छा मैंने यहाँ पर कुछ स्कीमाज बना के रखे हुए ठीक है और कुछ इनकी एग्जाम्पल दी हुई, ठीक है, अच्छा यहाँ पर बेटा हम पाइथन के अंदर क्या नाम है यहाँ पर इसकी जो ई ट्री ठीक है बेटा हमारे पर ये इसका मॉड्यूल है, ठीक है इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, उसके अंदर पार्सिंग का बेटा क्या नाम है यहाँ पर जो है अपना ये दो है, एक तो एग्जाम्पल पार्स करके बेटा वो यहाँ रख देगा और वो उसकी वैलिडेशन जो है ना स्कीमा की बेटा वो उठा के इसमें रख देगा, ठीक है बेटा, उसके बाद चेक करेगा इसका वैलिडेटर चेक करेगा बेटा कि वो एग्जाम्पल जो फाइल है ठीक है बेटा वो फाइल वैलिडेट है अकॉर्डिंग टू स्कीमा या नहीं है, ठीक है ना बेटा, तो वो चेक करेगा, तो ये स्कीमा फाइल है बेटा और ये फाइल इसकी क्या है,
एक्सएमएल फाइल है, ठीक है, तो इनको चेक करेगा भाई कि फाइल, ये जो एक्सएमएल फाइल है ये इसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है। अब चेक करते हैं कि एग्जाम्पल वन के अंदर स्कीमा क्या है और उसकी एक्सिस्टिंग फाइल कैसे बनी हुई है। अच्छा इसको हम जरा खोल लेते हैं, एग्जाम्पल वन खोल लेते हैं बेटा। ठीक है एग्जाम्पल वन हमारी आ गई, ठीक है। अच्छा और उसके बाद ये आ गई भाई आपकी एग्जाम्पल आ गई इसकी नेटवर्किंग की एग्जाम्पल की, और उसके बाद एग्जाम्पल वन एक्सेस डी, ठीक है। अच्छा ये आपको दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं बहुत सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपने एग्जाम्पल की बेटा पढ़ के आए तो वही चीज़ तकरीबन इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन लिखने का अंदाज डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा बड़ा सिंपल सा बेटा बता भी, ठीक है। देखो यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर एक डिवाइस है, ठीक है, और ये डिवाइस के अंदर बेटा यहाँ पर तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब ये एग्जाम्पल स्टार्ट कैसे होता है बेटा, यहाँ पर इसकी स्कीमा जो है ना ये लाजमी होती है। अच्छा ये जो है ना बेटा डिफॉल्ट स्कीमा होता है, ये आपने देनी पड़ती है, वरना इसके अलावा ये ठीक है काम नहीं करेगा। अच्छा डब्ल्यू थ्री डो और जी बेटा क्या है, ये बेसिकली एक मतलब जिस तरह आई ट्रिपल इदारा होता है ना, ये एग्जाम्पल स्कीमा को मेंटेन करते हैं। तो बेटा इसमें इसका यूआरएल ठीक है लाजमी आना चाहिए, अगर आप ये इसको यूआरएल नहीं देंगे, यूआरएल नहीं देंगे तो स्कीमा ठीक है काम ही नहीं करी होती, ये इसकी मैंडेटरी ठीक है इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है बेटा। अच्छा ये क्या नाम है, यहाँ पर जो है बता भी रहा है कि एग्जाम्पल नेम स्पेस, ठीक है बेटा बेसिकली ये एन एस का मतलब क्या नेम स्पेस, ठीक है, और ये सा नाम है। अजान का वेट करते हैं, फिर अजान के बाद आते हैं जी सात आ गए जी। स्टार्ट कर दीजिएगा, सब बच्चे आ गए। अच्छा भाई हम लोग कहाँ थे, बंद करते हैं स्कीमा को भी, इसको बंद करते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पर क्या नाम है, ठीक है हाँ ये बेटा आवाज आ रही है मेरी, शुरू करें, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा यहाँ पर जो है ना क्या नाम है, यहाँ पर ठीक है ये जो है अपना एक वो दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल फाइल दी हुई है, ठीक है, इसमें डिफरेंट बेटा ठीक है यहाँ पर एलिमेंट्स आ रहे हैं, टैग्स आ रहे हैं। अच्छा इसकी स्कीमा दी हुई है, ठीक है बेटा यहाँ स्कीमा की फाइल पे आते हैं। अच्छा ये भी ये तो बहुत सिंपल लग रही है आपको, स्कीमा फाइल दिखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है लेकिन है बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है बेटा। यहाँ पर स्टार्टिंग ये एग्जाम्पल डिफॉल्ट होता है, ठीक है, ये सबके ऊपर ठीक है स्कीमा ही आता है, ठीक है ना। अच्छा इसमें कुछ टारगेट स्कीमा बन सकते हैं लेकिन वो उसकी भाई यहाँ बात नहीं हो रही, सिंपल अगर बेटा आप डिफॉल्ट स्कीमा बना रहे हैं तो हमेशा ये आएगा एक्जैक्टली सेम, अगर आप चेंज करेंगे तो रहना जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा इसमें एक और क्या नाम है स्कीमा की, ठीक है, ये भी एक मतलब वैल्यू है, अगर इसको आप ना भी लिखें तो जब भी ये क्वालिफाइड ही होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो स्कीमा है ना ये इसके तमाम चाइल्ड एलिमेंट पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। बेसिकली नेम स्पेस का अगर आपको आइडिया होगा ना बेटा, इसका यहाँ एक वर्ड है नेम स्पेस। अच्छा नेम स्पेस क्या नाम है, जो भी प्रोग्रामिंग से वाबस्ता थोड़ा बहुत है तो बेटा नेम स्पेस का पता होगा आपको कि नेम बेसिकली किसी भी क्या नाम है, तो यहाँ पर है कोई जानता हूँ चार्ट, ये मॉड्यूल नेम कहना इसका आप, ठीक है, ये बेसिकली यूनिक नेम है जो कि इस मॉड्यूल का है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब है कि ये नेम स्पेस जो है ना क्या नाम है, क्योंकि बेटा हमारे पास ये जो स्कीम होते हैं ना ये वेब पर्टिक काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास ये जो एक्सएमएल होती है ना बेटा, क्योंकि वेब के ही जो है ना बेसिकली ठीक है ये ट्रैवल कर रही होती है,
तो ठीक है, ये आपको दिख रहा है बेसिकली ये यूआरआई दी हुई है इसकी, ठीक है, जो कि वेबसाइट एक्सेस करती है, ठीक है, यहाँ पर ये इसकी मैंडेटरी स्कीम है, अगर आप ये निकाल देंगे उसमें एरर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये होता है नेम स्पेस का मतलब ये है कि क्या नाम है, यहाँ पर कोई नेम कॉन्फ्लिक्ट ना है, और ये नेम स्पेस है ना बेटा, ये इन, इन इस सब बेसिकली इन सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखो यहाँ हो भी रहा है एक्सेस, दिख रहा है बेटा, देखो यहाँ पर ये जो सा नाम है ना, ये इसका बेसिकली ये एट्रीब्यूट का बेसिकली ये नाम है, और ये इसका बेसिकली कीवर्ड, ये इसका मतलब शॉर्ट नेम है, ठीक है, एक्सेस, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर बता रहा है कि ये एक्सेस जो है ना, ये बेसिकली तमाम इन पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, बेसिकली ये जो तमाम एलिमेंट्स है ना, ये इस मॉड्यूल का पार्ट है, ठीक है ना। और क्वालिफाइड की मीनिंग यही है कि ये जो बेटा है ना, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना, ये इससे क्वालिफाई होता है, ये मतलब ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है जो नीचे बन रहा है बेटा, इस तमाम का जो नेम स्पेस है ये, ठीक है ना। अच्छा, आपके आपका ये कंसल्टिंग है भी नहीं, ठीक है, हम बात करते हैं ना, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के अंदर इन चीज़ों में बहुत डिटेल में जाया जाता है, ठीक है, लेकिन बेटा आपका सिर्फ कंसर्न क्या है बेसिकली कि ये किस तरीके से हम इसको, ठीक है, वैलिडेट करवाते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी बता दिया मैं, तो इस चीज़ों पर इतना अगर आप दिमाग ना भी ख़राब करें तो मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ये एग्जिस्टिंग फाइल है, और ठीक है, ये यहाँ पर सिंपल दिखा रहा है आपको कि भाई ये जो इसका पहला एलिमेंट है ना, ठीक है, ये तुम्हारा ये बेटा ये एलिमेंट लाजमी है, स्कीमा का रूट एलिमेंट हमेशा क्या होता है, एक्सेस, ठीक है, ये इसका रूट एलिमेंट बना हुआ है, ये रहा और ये रहा, ठीक है बेटा। अब उसके अंदर ठीक है एलिमेंट स्टार्ट होंगे बनना। अच्छा, ये बता रहा है कि इसका जो इसके ये तो ये जो स्कीमा है ना बेटा, ये तो उसका डिफॉल्ट एलिमेंट है जो सबसे टॉप पे आ रहा है, ठीक है, इसकी एंड पे हो गया आगे। अच्छा, उसके बाद हमारी जो फाइल है ना बेटा, अब इस पे आते हैं हम लोग, इसका रूट कौन है, इसका रूट डिवाइस है ना बेटा, अभी बता रहा है भाई कि डिवाइस है ना ये एक्सेस, ठीक है बेटा, स्कीमा का नाम आ गया, ठीक है, और क्या नाम है, और ये बता रहा है भाई कि इसका एलिमेंट है उसका नाम डिवाइस है, इसका मतलब वो है ये एक्सएमएल जो फाइल है ना, इसका रूट एलिमेंट का नाम हमेशा डिवाइस होना चाहिए, ये डिवाइस यहाँ आ गया, ठीक है बेटा, ये सब मतलब भी वैलिड है। अच्छा, उसके अंदर आओ जरा, अब बता रहा है कि अब उस डिवाइस के अंदर क्या होगा, उस डिवाइस के अंदर ना कॉम्प्लेक्स टाइप बता रहा है, उस डिवाइस के अंदर कॉम्प्लेक्स टाइप होगी। अच्छा, कॉम्प्लेक्स टाइप का मतलब होता है कि जिसके अंदर लिस्ट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप होती है बेसिकली। यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली पूरी एक लिस्ट है वेंडर मॉडल और इसकी, तो ये इसकी नजर में बेटा ये कॉम्प्लेक्स टाइप है, अगर एक ही एलिमेंट होगा तो सिंपल टाइप होगी बेटा, लेकिन अगर मल्टीपल टाइप एलिमेंट है बेटा तो इसको लिस्ट बोलते हैं हम लोग इसकी लैंग्वेज के अंदर, और ये कहलाती है कॉम्प्लेक्स टाइप कहलाती है। ये सीक्वेंस इस तरह होती थी उसके अंदर, आपको याद है सीक्वेंस होते ना, मैप और सीक्वेंस होती थी इसके अंदर, क्या नाम है, यूएमएल के अंदर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स टाइप ही बोलते हैं, बता रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स टाइप के अंदर सीक्वेंस आ गई, ठीक है, सीक्वेंस के अंदर भाई बता रहे हैं कि तीन एलिमेंट है, एक का नाम वेंडर है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, दूसरे का नाम मॉडल है, उसकी टाइप स्ट्रिंग है, और तीसरे का नाम बेटा क्या है, ठीक है। अब ये बेसिकली सिंपल अब बेटा ये कि एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि आपके पास एक रूट एलिमेंट डिवाइस होगा, उस डिवाइस के अंदर तीन एलिमेंट होंगे, वेंडर मॉडल और सर्वर, इनके नाम भी बेटा एक्जैक्टली ये होंगे और उनकी टाइप एक्जैक्टली यही होगी, ठीक है। अगर आप चेंज करेंगे तो देखो बेटा एरर देगा। अब मुझे पार्स करवाना है कि हाँ भाई ये जो ये एक्सएमएल फाइल इस स्कीमा को फॉलो कर रही नहीं कर रही है, अब बेटा वो पाइथन करवाएगी, चेक करिए, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये फाइल दी हम लोगों ने, और ये हमने इसकी एक्जिस्टिंग फाइल दे दी, अब चेक करिए कि भाई ये वैलिड है या नहीं, ठीक है बेटा। इसका आउटपुट अगर ये जो हमारे मेथड है ये अगर दिखा देगा, ये आउटपुट ट्रू दिखा देगा, तो बेटा इसका मतलब वैलिड है और यहाँ पर ट्रू आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब चेंजिंग जरा करते हैं कि हम चेक करते हैं, कह रही है अगर चेंजिंग में करूँ तो फर्क पड़ता, नहीं पड़ता इसके ऊपर, अगर मैं आता हूँ यहाँ पर आकर इसको, ठीक है, ऑलरेडी फाइल में बनी रखी हुई है मेरे पास, एग्जाम्पल वन, ठीक है बेटा, मैंने खोली और मैंने यहाँ पर आकर क्या खोली, मैंने आकर एक्सेस एग्जाम्पल वन की ही SSD खोली, ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ के लेट सपोज कि इसकी स्कीमा फाइल जो है ना, यहाँ पर आकर मैं यहाँ से ये थर्ड जो एलिमेंट निकाल देता हूँ, ठीक है, सेव करते हैं उसको, ठीक है। अब चेक करते हैं भाई कि वैलिडेट कर रहा है नहीं कर रहा है, फॉल्स, क्यों फॉल्स है बेटा, क्योंकि आपकी स्कीमा बेटा क्या रिक्वायर कर रही है, आपकी स्कीमा बोल रही है भाई कि मुझे यहाँ पर इसके पास तीन एलिमेंट आएंगे जिसका नाम क्या होगा ये, ठीक है। अब बेटा आपने अगर ये करना तो आपने थर्ड एलिमेंट निकालना पड़ेगा यहाँ से आगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। तो बेटा ये इट इज वैलिडेशन। अच्छा, ये तो हमने सिर्फ एलिमेंट काउंटिंग भी कर दी बेटा, ठीक है, यहाँ भी कर दी, और ठीक है, और यहाँ जो, ठीक है, यहाँ पे, अच्छा लेट सपोज बेटा यहाँ के जो है ना, मैं इसकी टाइप करता हूँ इंटीजर कर देता हूँ, ठीक है, चेक, भैया बोला कि OS सर्वर की टाइप जो है ना, ठीक है, यहाँ पे इंटीजर है, और यहाँ पर क्या आ रही है बेसिकली, यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही है, चेक करते हैं भाई कि ये अब वैलिड है या नहीं, ठीक है बेटा, फॉल्स आ गया, यहाँ पर बेटा वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फॉल्स आ गया यहाँ पर, क्योंकि बेटा एक्सपेक्ट क्या कर रहा था वो कि यहाँ थर्ड एलिमेंट की टाइप क्या होगी, इसकी टाइप यहाँ इंटीजर है बेटा, जबकि टाइप यहाँ पर क्या आ रही है इसकी, ठीक है आ रही है। तो ठीक है बेटा, काउंटिंग भी चेक कर ली इसमें, और ठीक है, अगर हमें लेट सपोज यहाँ के जो है, ठीक है, अच्छा हमें एग्जाम्पल जो है ना, क्या नाम है, अच्छा बेटा इसमें जो है ना, यहाँ पर ठीक है कस्टम टाइप भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक
ठीक है, थोड़ा एडवांस टॉपिक है वो, कस्टम टाइप भी ठीक है बना सकते होते हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल हम सिंपल टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा, तो ये क्लियर है। आगे ज़रा पढ़ते हैं एग्जाम्पल टू पे आते हैं। एग्जाम्पल टू में क्या दिया था देख लेते हैं इसको। ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि भाई तीन एलिमेंट हैं और टाइप स्ट्रिंग आ रही है और इसका जो मेन एलिमेंट डिवाइस है। एग्जाम्पल टू पे आते हैं। एग्जाम्पल टू एक्सएमएल उसकी खोल लेते हैं ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू की, अच्छा ये भी सिंपल है लेकिन थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट क्या नाम है। अच्छा बेटा, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक कंट्री है ठीक है, यहाँ पर उसके अंदर क्या नाम है तीन ठीक है एलिमेंट है, पॉपुलेशन ठीक है आ रहा है, एरिया आ रही है, कैपिटल ठीक आ रहा है। ठीक है बेटा, अब इसके एग्जाम्पल फाइल क्या बनी है देखते हैं, जरा चेक करते हैं कि फाइल वैलिड है या नहीं। तो एग्जाम्पल टू पे आते हैं और चेक करते हैं भाई कि आया क्या वैलिड नहीं है। ये वैलिड है ठीक है, अच्छा ये भी वैलिड है मेरे ख्याल में, ठीक वैलिड है। अब चेक करते हैं भाई कि इसके अंदर ये क्या वैलिड किस तरह बनाई हुई है। अच्छा बेटा यहाँ पर आए हुए, अच्छा यहाँ पर आकर जो है ना अपना, ठीक है बेटा तो इसका रूट एलिमेंट कंट्री है, रूट एलिमेंट कंट्री आ गया ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ठीक है टाइप बेटा कमिस्ट टाइप, इसका सिक्वेंस आ गई। सिक्वेंस बेटा देखो, पहली पॉपुलेशन है उसकी टाइप इंटीजर है, दूसरी एरिया इस टाइप इंटीजर है, तीसरी क्या है इसके अंदर क्या नाम है कैपिटल इसकी टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है देखो बेटा, तुम्हारे पास यहाँ पॉपुलेशन आ गया ठीक है, इसकी टाइप क्या नाम है ये इंटीजर है, इंटीजर और ये स्ट्रिंग आ गई, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और भी दी हुई है कि उसका एट्रीब्यूट भी है, उसका नाम क्या है नेम। अच्छा यहाँ एट्रीब्यूट की वैल्यू भी दी हुई है ठीक है बेटा, इसका मतलब यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये बता रहा है कि उस कंट्री का एट्रीब्यूट भी है नेम। देखो हो बेसिकली बेटा ये रहा है कि देखो ये एट्रीब्यूट भी इसका पार्ट है ना, ठीक है बेटा, मतलब ये तीन एलिमेंट भी इसके पार्ट है, एट्रीब्यूट से पार्ट है, ये कंट्री के टैग में आ रहा है। देखो कंट्री के टैग में आ रहा है कि भाई यहाँ पर इसका एक एलिमेंट और भी है, इसका नाम क्या है एट्रीब्यूट है ठीक है बेटा, उसका नाम क्या नेम है और टाइप स्ट्रिंग है, ये बेटा ये चीज़ है ठीक है। अच्छा लेट सपोज यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता, लेट सपोज कि यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता, अच्छा इस कंट्री को मैं कर दूँ, खैर अभी पाकिस्तान की उसकी पॉपुलेशन वगैरह वही दीजिए। अगर मैं यहाँ करता हूँ भाई क्या नाम है कि ये जो है इसका रीजन कहता हूँ, मैं रीजन एक देता हूँ वैल्यू, ठीक है बेटा। अब मैंने यहाँ पर रीजन ठीक है एक और इसका जो है मैंने एक एट्रीब्यूट दे दिया ठीक है। अच्छा मैं यहाँ के चेक करता हूँ उसको, फॉल्स क्यों फंसा गया बेटा, क्योंकि एट्रीब्यूट दो दे दिया आपने और आप डिफाइन एक किया हुआ है ठीक है बेटा। तो सिंपल वाली खानी है, आप यहाँ पर कॉपी करो उसको एट्रीब्यूट को ठीक है, और यहाँ कर इस एट्रीब्यूट का नाम दो रीजन ठीक है, टाइप स्ट्रिंग ही है बेटा। अब यहाँ पर दो एट्रीब्यूट हो गए, वहाँ दो एट्रीब्यूट हम दिए हैं तो बेटा अभी ये क्या होगा वैलिड होगा इसके लिए, तो चेक एसएसडी चेक कर लेते हैं, ये वैलिड दे रहा होगा आगे वैलिड ठीक है जी। थर्ड एग्जाम्पल बढ़ते हैं, हम लोग थर्ड पे आते हैं। अच्छा जी थर्ड पे आते हैं जी, मैं बंद करती हूँ यहाँ से, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें कोई सवाल तो मेरे ख्याल बनता भी नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल एग्जाम्पल थ्री, इसको कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें दी हुई मेरे ख्याल में, एग्जाम्पल थ्री के एस। अच्छा देखो यहाँ फिर कुछ चीज़ें बेटा और भी है ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक सवाल स्टार्ट में बच्चा कर रहा था भाई कि नेटवर्किंग की एग्जाम्पल, देखो बेटा नेटवर्किंग एग्जाम्पल में मतलब आप बना लें उसमें कुछ भी, आप यहाँ पर डिफरेंट राउटर्स दे रहे हैं उसके अंदर टैग्स बना लें, आईपी एड्रेस से बना दें, डीएनएस से बना दें ठीक है, उसके अंदर क्या नाम है कंप्यूटर्स की डिफरेंट, मतलब वो तो हायरार्की बन सकती है ना, आप डिफरेंट क्या नाम है मतलब जो है उसमें नेटवर्किंग टर्म्स होती हैं, उसमें उसकी वीलैन हो गया, नंबर हो गया, उसमें आईपी एड्रेस हो गया, उसकी गेट हो गया ठीक है, टैग बनाते हैं। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस हो, यहाँ पे वीलैन हो, या यहाँ पर ये फर्क क्या पड़ता है, बेसिकली फर्क पड़ता है एक्सएमएल काम कैसे कर रही है ठीक है ना। तो नेटवर्किंग कॉन्टेक्स्ट में हो या क्या नाम है ये, लेकिन बेसिकली हमें देखना है कि किस तरह काम हो रही है ठीक है ना। तो जेनरिक फॉर्म में देखना है बेसिकली हम लोग, तो नेटवर्किंग जब हम शायद आगे डिफरेंट APIs पढ़ेंगे तो वहाँ पर काफ़ी जगहों पर इस तरह XML शायद आपको ना मिलेगी, लेकिन आपको ML वगैरह और Yang वगैरह काफ़ी मिल जाएगी, तो और डिफरेंट एबिलिटीज भी हैं, लेकिन XML को पढ़ना आना चाहिए ठीक है आप लोगों को ठीक है बेटा। तो काफ़ी जगहों पर हम जो पढ़ेंगे आगे, मैं ख्याल में XML तो कहीं नहीं आएगा, आपको ML वगैरह और Yang जो है ना वो बहुत मिलेंगे आपको, जैसन YAML और Yang ठीक है, तो वो चीज़ें काफ़ी मिलेंगी। लेकिन ठीक है XML बेटा ये मतलब इंटीग्रल पार्ट है, इसका आपको लाजमी होना चाहिए। अच्छा देखो भाई यहाँ पर जो है ना डिफरेंट क्या नाम है कुछ चीज़ दी है, अच्छा यहाँ पर जो है ना इसकी जरा बात करते हैं XML की, तो यहाँ तो ठीक है इसके अंदर क्या नाम है एक ठीक है बेटा आपके पास रूट एलिमेंट बॉर्डर है उसके ठीक है ये एट्रीब्यूट दिया हुआ है। अच्छा उसके अंदर जो है ना यहाँ पर उसके एक क्या नाम है यहाँ पर बेटा एक ऑर्डर पर्सन बेसिकली एक एट्रीब्यूट इसका एक एलिमेंट दिया हुआ है ठीक है, और यहाँ पर शिप टू का एक एलिमेंट दिया हुआ है, इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट दिए हुए, यहाँ पर आइटम के दो एलिमेंट दिए हुए ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें देखो डिफरेंट है, एक चीज़ तो बेटा यहाँ पर ये कि पहली बात तो यहाँ पर एक एक एलिमेंट सिंपल टाइप का है और
ये सिंपल टाइप एलिमेंट क्योंकि बेटा इसके अंदर मल्टीपल जो है ना लिस्ट नहीं है, एक एक ही इसकी सिंपल इसकी नाम है, इसकी एक ही वैल्यू है, तो ये सिंपल टाइप है ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद ये शिफ्ट हुआ ना बेटा, ये जो एलिमेंट ही टाइप है ये कॉम्प्लेक्स टाइप है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ठीक है वैल्यूज दी है तो कॉम्प्लेक्स टाइप है ठीक है। अच्छा उसके बाद आइटम भी कॉम्प्लेक्स टाइप है। अच्छा आइटम रिपीट भी हो रहा है, आइटम रिपीट आइटम दो आ रहे हैं ठीक है, आइटम बेटा ये एक आ रहा है आइटम रिपीट भी हो रहा है ठीक है। पहली बात इसकी बेसिकली दो अकरेंस है यहाँ पर, अकरेंस या कितनी बार आ रहा अकर हो रहा है ठीक है, दो है ठीक है। उसके बाद बेटा एक चीज़ यहाँ देखने की हो रहा है कि यहाँ पर जो है ना इसके अंदर टाइटल के अंदर भी इसके अंदर जो आइटम के अंदर यहाँ पर टैग्स चार है बेटा, यहाँ टैग तीन है, इसका मतलब यहाँ पर एक टैग कौन सा गायब है, यहाँ पर नोट का टैग है बेटा। नोट का टैग जो है ना बेटा ये बेसिकली टाइटल के अंदर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर नहीं आ रहा, मतलब इसकी थोड़ी डिफरेंट थी रिलेशन होगी ठीक है, मतलब इसके अंदर ठीक है बेटा डिफरेंट जो है ना ठीक है। अब वो क्या है देख लेते हैं यहाँ पर, अगर सबसे पहले तो हम आते हैं ठीक है बेटा यहाँ पर आके सबसे पहले तो एलिमेंट ठीक है आपको आ गया ठीक है भाई, ये शेप ऑर्डर ये तो बात पसंद। अच्छा कॉम्प्लेक्स टाइप ठीक है बेटा आ जाओ यहाँ पर, ये बता रहा भाई ये तो ठीक है बेटा इसका तो ये आपके ठीक है इसके अंदर आओ ना बेटा पूरा, ये बता रहा भाई इसके अंदर एक एलिमेंट है आपका ऑर्डर पर्सन ठीक है बेटा ये आ गया, और ये बता रहा भाई इसके अंदर एक एलिमेंट हमारा क्या है उसका नाम है ऑर्डर पर्सन, स्ट्रिंग अलग कर दिया उसने ठीक है बेटा। अच्छा सुबह बता रहा है कि भाई एक एलिमेंट है इसका नाम शिफ्ट हुआ है, ये शिफ्ट बता रहा है ठीक है बेटा ये अच्छा इसके अंदर शिफ्ट हुआ गया। अच्छा शिफ्ट टू के अंदर आ जाओ, शिफ्ट टू के अंदर बेटा क्योंकि ये लिस्ट पूरी है ठीक है ना, शिफ्ट टू के अंदर बेटा क्या पूरी लिस्ट है तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप है ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पर ये कि ये एक आपका एलिमेंट बेटा ये उस ये इसके लिए पूरी कॉम्प्लेक्स टाइप है क्योंकि ये लिस्ट है पूरी, लिस्ट का पहला आइटम दूसरा तीसरा चौथा, मतलब इस शिप ऑर्डर की लिस्ट के अंदर चार एलिमेंट आ रहे हैं, दो तीन चार। सिमिलरली अगर इसकी बात करते हैं हम लोग इस एलिमेंट की, ये भी बेटा इसके अंदर इसकी लिस्ट है जिसमें चार एलिमेंट आ रहे हैं ठीक है, सिक्वेंस बेसिकली आ रही है, सिक्वेंस कहलाती है ठीक है ना। अच्छा बेटा यहाँ आ गए, अब जरा यहाँ देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलिमेंट ठीक है आपको ये टाइप आ गई, उसके बाद शिफ्ट टू आ गई, ये तो वही सेम चीज़ है, शिफ्ट टू आ गए इसके बता रहे चार एलिमेंट आ रहे हैं ठीक है, यहाँ तक तो कोई इसी बात ही नहीं है भाई, शिफ्ट टू आ गए ये चार एलिमेंट के नाम बता रहा है भाई इनकी ये टाइप स्ट्रिंग है, ये नाम बता रहे टाइप स्ट्रिंग, यहाँ तक मसला कोई ठीक मसले की बात ही नहीं, यहाँ तक तो ये एक पहला एलिमेंट आ गया बेटा, ये उसका दूसरा एलिमेंट आ गया ठीक है दूसरा। तो थर्ड पे आओ, थर्ड के अंदर जो यहाँ आ गया थर्ड एलिमेंट तुम्हारे बेटा, ये थर्ड जो है इसका ये बेसिकली वाला एलिमेंट आ गया, इस पर क्या हो रहा है, पहली बात तो बेटा ये कि आइटम यहाँ पर ना एक लिखा हुआ है कि मैक्सिमम अकरेंस, यहाँ पर एक नेम आइटम है ये इसका एट्रीब्यूट दिया हुआ मैक्सिमम अकरेंस का मतलब है कितनी बार ये आ सकता है। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ अनबाउंडेड, इसका मतलब है अनलिमिटेड, मतलब आइटम का जो एट्रीब्यूट है उसकी कोई लिमिट नहीं है जितनी बार आ सकता है ठीक। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर कर दे रहा वन कि आइटम का जो एट्री है ना बेटा ये सिर्फ एक ही बार आ सकता है ठीक है, अच्छा इसका मतलब बेटा कि ये से वैलिड था, ये वैलिड था ही नहीं क्योंकि सिर्फ एक ही बार आ गया बस खत्म ठीक है मैक्सिमम अकरेंस। अब जरा बेटा यहाँ चेक करता हूँ मैं, अब अगर मैंने ठीक है यहाँ पर कर दिया कि भाई ये एक हो इसकी मुताबिक बेटा सिर्फ इसकी एक ही अकरेंस ओके, बाकी सेकंड अकरेंस जो है ना इसकी लीगल है ठीक है ना बेटा, ये इसकी वैलिडेटेड नहीं है। अब चेक करते हैं भाई कि इसके मुताबिक क्या ये जो हमारा थर्ड ये पास हो रहा है, फॉल्स क्यों बेटा, क्योंकि इसकी एक अकरेंस हमने हमारे शो करी है लेकिन हालांकि वो दो दफा आ रहा है। अच्छा अगर बेटा मैं आके कर दूँ क्या टू, अब क्या होगा, इसका मतलब भाई कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आइटम की अकरेंस दो बार आ रही है ठीक है ना। अब चेक करते हैं भाई इसके मुताबिक ये दो बार आ रही है, एक बार ये आ रही है एक बार ये आ रही है, अब क्योंकि बेटा आइटम दो बार आ रहा है। अच्छा ठीक है बेटा अगर यहाँ पे लिख दें अनबाउंडेड, इसका मतलब क्या है कि भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है जितनी बार आता है ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया अनबाउंडेड ठीक है अनलिमिटेड ठीक है ना, कोई बाउंड नहीं है कोई सी बाउंड्री नहीं है ठीक है, यहाँ बात क्लियर हो गई। अच्छा बेटा अब उसके अंदर आ जाओ, यहाँ पर उसके अंदर क्या आ जाओ कि यहाँ पर जो है ना अब उस आइटम के अंदर ये मल्टीपल ठीक है चार एलिमेंट, तो एरर नहीं आ रहा, अगर चाहो ना बेटा यहाँ पर एरर नहीं आ रहा टू, हालांकि बेटा आपके मुताबिक अगर हम अभी तक जो पढ़ के आए हैं इसके मुताबिक अगर यहाँ चार थे तो बेटा यहाँ भी चार आना चाहिए थे, इसका मतलब है नोट के अंदर कुछ मामला खराब होगा, मतलब कुछ चेंजिंग चेंजिंग की होगी, इसका मतलब बेटा कि नोट को ना इन्होंने अलाउ किया हुआ है कि इसकी अकरेंस जीरो भी जब भी अलाउ है। यहाँ तो देखो बेटा सब कुछ रखे बता रहा है कि भाई नोट के अंदर जो है ना यहाँ पे इसने अलाउ किया हुआ है कि नोट के अंदर इसकी अगर अकरेंस जीरो भी है ना एक दफा वो भी अलाउ है, ये लिखा मिनिमम अकरेंस एम आई ए का मतलब मिन है अकरेंस जीरो, इसका मतलब है कि अगर ये एक बार मौजूद भी नहीं है तो बेटा वो भी अलाउ है। लेट्स सपोज यहाँ आ जाओ यहाँ बेटा इसकी अकरेंस जीरो है तो ये भी वैलिड है ठीक है ना, मतलब जीरो हो या उससे बड़ा हो ठीक है ना, यहाँ नोट की बेटा अकरेंस जीरो है तो ये अलाउ है। हाँ अगर मैं यहाँ पर इसकी अकरेंस कर देता वन, इसका मतलब क्या नोट को कम से कम एक बार आना लाजमी है बेटा, यहाँ पर नोट एक बार भी नहीं है ठीक, उसके मुताबिक इसको एक बार आना लाजमी है, तो बेटा इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ चेक करते हैं भाई कि इसके मुताबिक क्या ये ठीक है।
नहीं, क्योंकि बेटा वहां पर नोट की अकरेंस एक बार लाजमी आ रही है, तो यहाँ आके ठीक है बेटा हमने जीरो कर दिया कि भाई दो बार। अच्छा बेटा ये जब करते हैं जब हमें पता होता है कि इसके दूसरे किसी एलिमेंट के अंदर शायद क्या पता वो चीज़ ना हो, ठीक है वो चीज़ मुझे ना हो, तो ठीक है बेटा यहाँ पर हमने ठीक कर दिया। ठीक है तो उसके अंदर क्या है बेटा ये चीज़ें हैं। उसके बाद हाँ उसके एट्रीब्यूट बेटा ऑर्डर आई डी है, ठीक है ऑर्डर आई डी है, उसका टाइप स्ट्रिंग है और ये रिक्वायर्ड है लाजमी, ये अगर नहीं होगी तो बेटा एरर आएगा। मतलब ऑर्डर आई डी का एट्रीब्यूट बेटा अगर ये हम निकाल देंगे तो क्या होगा उसमें एरर आएगा, ठीक है वो लाजमी है रिक्वायर्ड है। ठीक है कोई सवाल? ठीक है तो बेटा ये एक्सएसडी हो गई और ये आपकी क्या होगी बेसिकली, ये आपकी उसकी वो। यहाँ तो कोई सवाल किसी को, कोई भी सवाल एक्सएसडी और एक्सएमएल का क्लियर हो गया मसला? तो उसके बाद यहाँ तक क्लियर है, हमने अभी तक क्या देखा एग्जाम्पल देखा, ठीक है उसकी हमने थोड़ी पार्सिंग देखी पाइथन के अंदर, ठीक है हमने एग्जाम्पल स्कीमा देखा एक्सएसडी देखा। ठीक है बेटा एग्जाम्पल की एक बहुत ही आउट क्लास ठीक है जो है इसकी क्या नाम है एक चीज है उसे हम बोलते हैं एक्सएसएलटी, ठीक है एग्जाम्पल स्टाइल शीट लाती है बेसिकली वो, तो उसको हम देखते हैं क्या नाम बेटा, तो उसको हम क्या नाम है वो बड़े आउट क्लास चीज है ठीक है, टेम्परेटिंग बेसिकली होती है उसके अंदर। यहाँ तक मसला किसी हो तो बताओ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका क्या नाम है बेटा लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सएमएल की मीनिंग इसकी मीनिंग होती है एक्सटेंसिबल, स्टाइल शीट, लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बड़ी जबरदस्त चीज़ है, मतलब इसके बहुत यूज होते हैं और ये वेब डेवलपमेंट में तो बहुत ही ठीक इस्तेमाल करते हैं। देखो अभी तक बेटा यहाँ पर क्या नाम है आपने देखा ना यार XML, मतलब अगर लेट सपोज आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है ठीक है, आपने कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है या आपने किसी को लेट सपोज आपके बॉस को दिखाना है यार मुझे ना मतलब फलाना वेबसाइट पे जाओ वहाँ पे आपके एक वेबसाइट है लेट्स सपोज ठीक है, वहाँ पे ना कोई या कोई कोई डिवाइस का डेटा ठीक है वहाँ आ रहा होता है, उसका फॉर्मेट डेटा का ये होता है एक डिवाइस लगी हुई है IoT डिवाइस लगी हुई है ठीक है, या कोई राउटर लगा हुआ है कुछ भी लगा हुआ है वो डेटा आपको फॉर्मेट में दे रही है ठीक है। अच्छा आपको बॉस बोलता है कि मुझे ना रिपोर्ट मतलब एक ना ग्राफिकल या कोई वे में रिपोर्ट दो कि डेटा किस तरह आ रहा है ठीक है, या टेबल बना के दिखाओ कुछ मतलब है कि व्यू अच्छा व्यू UI हो। अच्छा आप एक काम करें आप क्या आप बॉस को ये दिखा देंगे सर ये देखें ये एग्जाम्पल की वैल्यू आ रही है, ये देखें ये वैल्यू इसकी आ रही है इसकी वैल्यू आ रही है, उससे क्या पता टैक्स क्या होता है, उससे क्या पता एक्सेसिटी क्या होती है ठीक है। तो बेटा हमारा क्या क्या हम चाहेंगे उस इसको एग्जाम्पल को ट्रांसफॉर्म करें एक UI की फॉर्म में करें, ये बात समझ आ रही बेटा आप लोग को? ये तो डेवलपर के ठीक है डेवलपर समझ जाएगा भाई XML है उसके अंदर रूट टैग है उसके अंदर फला है उसकी फला मिलेंगे एक्सेसिटी की मीनिंग समझ जाएगा, लेकिन आपकी जो बेटा अपर हायरार्की है ठीक है या आपको किसी को रिप्रेजेंट करना हो या वेबसाइट पर दिखाना हो वेबसाइट के अंदर ठीक है बेटा आप दिखाओगे कि टेबल बना हुआ आ रहा होगा, मतलब इसी ही डेटा को आप टेबल फॉर्म में दिखा दोगे ग्राफ जो XML सड़के होगा ऐसा ही है ना, या आप XML लगा दोगे नहीं यार जिसको समझना समझ लो, या अगर आप फेसबुक पे अपना कोई स्टेटस लगाते हो क्या आप XML लेके लगा दे दो ठीक है, आप चाहोगे भाई कि वो चीज़ लगाएं हम कुछ लिखें या कुछ टेबल फॉर्म में लगाएं जो कि मतलब बेसिकली ठीक है अच्छी फॉर्मेटिक डेटा आ रहा हो जो अच्छी रिप्रेजेंटेशन डेटा की हो ठीक है बेटा। इसका मतलब हम क्या करेंगे हम लोग बेसिकली इसको हम XML को ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी और फॉर्म के अंदर जो कि रीडेबल फॉर्म होगा ठीक है, हम इस XML को ट्रांसफॉर्म करेंगे चेंज करेंगे इसी शक्ल ठीक है किसी और शक्ल में जो कि अच्छी UI फॉर्म होगी। अच्छा मैं अभी हम उसका क्या नाम है मैं वो पेन पकड़ा हुआ नहीं है ठीक है, तो आपको बेटा ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है क्लियर ना कि हम इस XML को अच्छी UI के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे जो कि अच्छे रीडेबल फॉर्म में होगा ठीक है ना। तो उसके लिए बेटा एक्सेसिबिलिटी ये जो होती है ना हमारे लैंग्वेज इसका नाम एक्सेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर ये जो वर्ड है स्टाइल शीट का मतलब क्या है ये बेसिकली XML को एक स्टाइलिंग फॉर्म में कर देता है ठीक है ना। अच्छा मैं इसको अभी ना समझाया बगैर जरा दिखा रहा हूँ आपको एक कि किस तरह आपको दिखाता है, ये मैं अभी समझा नहीं रहा ठीक है ना आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कर क्या बेसिकली है। मैं क्या करता हूँ एग्जाम्पल फोर दिखाता हूँ उसी की मैंने ये फाइल बनाई हुई XML की फाइल, एग्जाम्पल फोर खोलता हूँ मैं दिखाता हूँ कि यार उसमें क्या आ रहा है उसको और हमने यहाँ पे किस तरीके से इसको
क्या नाम है, ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, तो एग्जाम्पल फोर में क्या है, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो है ना, ये बेसिकली एक डेटा है, ठीक है, डिफरेंट के नाम आ रहे हैं। तो अब ये ठीक है डेटा रेडियो नहीं है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ बेटा इसको ना किसी और फॉर्म में डेटा शो करूँ, टेबल के फॉर्म में डेटा आ रहा हो, कि मतलब उसमें हेडिंग आ रही हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर उसमें नाम आ रहे हो, ठीक है। तीन मतलब दो हेडिंग हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम की तीन तीन रोज हो जाएंगी, एक में यह आ रहा होगा बेटा, एक में यह आ रहा होगा, एक में आ रहा होगा, मतलब इस तरीके के अलावा चाहूँ सिर्फ टेबल फॉर्म में दिखाना चाह रहा हूँ। अब एक काम करते बेटा इसको जो है ना यहाँ, ठीक है मैंने रोक दिया, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ आके, काम चल गया, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पर एक कोड चला रहा हूँ, इसको चलाया मैंने, ठीक है। इस पर कुछ ना एचटीएमएल मुझे ठीक है ठीक है दे दी आउटपुट में, इससे मैं कॉपी करता हूँ एचटीएमएल को, इसमें कॉपी किया और मैं यहाँ आकर जो है इसको फाइल, न्यू फाइल, अच्छा उसका नाम क्या था इसको बेटा, मैंने अभी कॉपी कर दिया, मेरी बात तो ये, उसका नाम मैंने क्या दिया, इसका नाम दिया मैंने एग्जाम्पल फोर की, ना किसी की दी है एग्जाम्पल फोर की, कहती फोर थी ना और जी थी आपने बोला था। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल, ठीक एग्जाम्पल फोर उसकी, ठीक है एचटीएमएल फाइल है, बल्कि एकदम फोर डॉट एच टी एम होता है कि वो एक्सटेंशन चेंज होता है, खुद खुद डुप्लीकेशन वगैरह नहीं आएगा। एग्जाम्पल फोर ठीक थी उसके एच टी एम, ठीक है मैंने यहाँ पर सेव कर दी, ठीक है, और उसको सेव कर दिया, ठीक है बेटा। और मैं क्या किया उसको खोल लिया आ गया, अब मैं क्या किया उसको मैंने आ गया फाइल बन गई एग्जाम्पल फोर एच टी एम, इसे मैंने खोल दिया। हाँ भाई क्या हुआ, देखो पहले बात हुआ क्या था मैं बताऊँ, मुझे ये मैं कहता कि इसको आपने एक्सएमएल को ट्रांसफॉर्म कर दिया बेटा किसके अंदर, एचटीएमएल में कर दिया, जो कि रेडेबल फॉर्म में आ रहा है। ये चीज़ क्लियर होगी जो मैं बताइए आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बोलते हैं, कि आपके एक्सएमएल ट्रांसफॉर्म हो गया बेटा किसके अंदर, इस रेडेबल फॉर्म में हो गई, ये बात क्लियर है। सब लोग मुझे जरा यस लिख के भेजें, देखो बेटा यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो ट्रांसफॉर्मेशन किसे बोलते हैं ना, हम लोग अक्सर वर्ड यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म कर देना, जैसे मैं एक बोलूँ कि यार हम पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, एक नया लंदन में कर देंगे, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि नई मतलब एक नई नई बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी आपको, नए पार्ट्स बन जाएंगे, कुछ डिफरेंट चीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने भी ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको ना, हमने एक्सएमएल को, ये भी एक वैल्यू है ना, ठीक है, ये डेवलपर को पता है कि इसके अंदर ये टैग्स हैं, इसके अंदर वैल्यू आ रही है, लेकिन ये ज़्यादा रेडेबल फॉर्म में के अंदर है, ये आपको रेडेबल फॉर्म के अंदर है। किसी को आप ये दिखाओगे तो खुश होगा वो, या किसी को आप बेटा ये दिखाओ तो उसको समझ में आएगा, ये ज्यादा बेहतर है ना। फर्स्ट नेम ठीक है आ रहा है इसमें, देखो कलर भी आ गया इसका, तो ये बता रहा है फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये, मतलब किसी भी बंदे के लिए, क्लेमेंट के लिए ये चीज ज्यादा रिडेबल है, ठीक है ना बेटा, सही है। तो बेटा हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम लोग क्या कर रहे हैं, अजय मैंने आपको समझाया नहीं कि मैंने कैसे किया है, ये कैसा हुआ ये, वो तो बात की बात है, ठीक है ना। मैंने आपको, मैं बता रहा हूँ इसको छोड़ दो, सिर्फ ये बताओ कि मुझे, मैंने एक्सएमएल को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, यहाँ तक बात तो क्लियर है ना, ये वो किस तरह हुआ वो तो मैं बात अभी की नहीं है ना, कि ये फॉर्म थी बेटा, इस फॉर्म को मैं ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया, इसमें कर दिया, दो सेम चीज़ है ना। देखो यार ये भी सेम चीज़ है, जैसन भाई ऑथर है उसके अंदर, जैसन का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ही आ रहा है, देखो ये ऑथर फर्स्ट नेम जैसन लास्ट नेम ही आ रहा है, तीन रो आ गई, यही इसी की बेटा फॉर्म है ना ये, तो ये बात क्लियर है ना। मेरा मकसद ये था, वो मैं नहीं क्लियर किस तरह हुआ वो तो समझाऊंगा भी आपको मैं कैसा किया, लेकिन ये काम दिख गया आपको किस तरह बेटा हमने एक्सएमएल को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसके अंदर, यूआई में कर दिया। हाँ वो कैसे हुआ वो समझाऊंगा ना बेटा, वो तो समझाऊंगा। अच्छा पहली बात तो बेटा यहाँ पर अगर राइट क्लिक करूंगा ना मैं इधर आके, आप यहाँ पे व्यू पेस्टवर्ड्स कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। आपको यहाँ पर ये आपको एचटीएमएल ठीक है दिख रही है, जो कि बहुत ही बदसूरत हालत में दिख रही है, इसको मुझे प्यूरीफाई करना पड़ेगा। चलो एक काम करता हूँ मैं यहाँ के, इसमें एक ऑप्शन होता है प्रिडिफाई का, मैं करना है
पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं रहा। ठीक है, वो मैं चाहता बेसिकली इसको जो है ना थोड़ा आपके लिए ऑप्शन वो कर देता, पिटिफाई कर देता। अच्छा इसको मैं ना दो जगह कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैंने एक हो गया इसमें कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ पिटिफाई इसका। ओके ठीक है, और इसी को दोबारा मैं यहाँ पिटिफाई कर देता हूँ। अच्छा खैर अभी भी ये पिटिफाई बहुत अजीब तरीके से कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या नाम है यहाँ पर, मेरे ख्याल में इसको एक और ऑप्शन देखूँ, शिफ्ट टैब UTF का ऑप्शन है यहाँ पर। एनीवे खैर चलो ठीक है, ठीक है ठीक है बट अब ये बात थी कि मिस उसको पिटिफाई नहीं हो पा रहा, ये बस थोड़ा बहुत दिख रहा है आप लोगों को, हो गया रहा है अभी ये हो गया रहा है कि पहली बात तो ये बात क्लियर है, हमने बैठे यहाँ पर एग्जांपल को हमने, ठीक है बेटा इस एग्जांपल के फॉर्म से हमने, ठीक है इसको थोड़ा UI फॉर्म बना दिया, ये हो गया रहा है बेटा। बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल को हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, HTML में कर रहे हैं, ठीक है बेटा HTML है, आपको जिनको शायद पता होगा ये होता क्या है ब्राउजर के अंदर बेटा, जो भी UI आती है ना ये इसके बैकएंड पे एक लैंग्वेज काम करती है, दैट इज कॉल्ड HTML, ठीक है। अच्छा इस यहाँ पर ये HTML तो है, लेकिन इसको हम बोलते हैं XHTML बोलते हैं, क्या बोलते हैं XHTML, क्योंकि बेटा ये XML से कन्वर्ट हुई है, ठीक है ना। हुआ क्या है, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ बल्कि थोड़ा सा आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, ये हुआ यहाँ पर क्या है बेटा, XML को बेटा बेसिकली हमने क्या किया, हमने XML के अंदर हमने XSLT, ठीक है बेटा हमने किया, हमने यहाँ पर XHTML ये सिंपल करो, उसको HTML लिख दो बस यहाँ पर, ठीक है बेटा। देखो हमने करना था, हमने XML हमें बेटा टेम्पलेट ली, हमने क्या किया, हमें इसको बेसिकली इस फॉर्म में दिखाना था, HTML फॉर्म में दिखाना था, इसको ऐड करने के बाद XML हैज बिकम HTML नाउ, जो कि बेटा यूजर रीडेबल फॉर्म हो, क्योंकि आपका ब्राउजर इसको नहीं पढ़ता। देखो ब्राउजर कैसे पढ़ रहा है इसको, आपको ब्राउजर इसको कैसे पढ़ता है, ये आपका ना बेटा ब्राउजर इसको इस तरह पढ़ता है XML को, ठीक है बेटा। ये तो रीडेबल फॉर्म में नहीं है, हम चाह रहे हैं ब्राउजर कुछ इस तरह कुछ कुछ पढ़े भाई कि वो उस तरह नजर आ जाए, ठीक है बेटा। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, हमें XSLT लगाना पड़ेगा, ताकि इसको बेटा इस तरीके से शो कर सके, ये बात क्लियर है बेटा। अब वो कैसे करेंगे हम देखते हैं जरा, ठीक है बेटा वहां पर, ठीक है ये बात क्लियर है। हमने XML के अंदर हमने XSLT लगाई, जिसके बाद हमारा व्यू ये बन गया, ठीक है डेट इज कॉल्ड HTML, ठीक है बेटा। हमने क्या किया, हमने XML के अंदर ये ऐड की, एक लैंग्वेज ऐड की बेटा, उसको ऐड करने के बाद हमारे पास आउटपुट यूं आ रहा है, जो कि रीडेबल फॉर्म है, जिसको हम UI के थ्रू बेटा दिखा सकते हैं ब्राउजर के ऊपर, ठीक है ना। अब वो कैसे आ रहा है वो देखते हैं यहाँ पर, अगर ठीक है बेटा यहाँ पर अब देखो यहाँ हुआ क्या, हमने यहाँ पर XML फाइल थी बेटा, उसके अंदर हमने यहाँ पर एक XSLT फाइल, ठीक है बेटा हमने यहाँ ऐड की, इसका इसकी एक्सटेंशन क्या है XSL, ठीक है बेटा हमने ऐड की। अब फाइल किस तरह होती है देखते हैं इसको हम लोग, ठीक है बेटा हम यहाँ आते हैं जरा इस फाइल को खोलते हैं और इसकी जरा बात करते हैं हुआ कैसे, ठीक है ओपन किया और XSL फाइल एग्जाम्पल हो रही है अभी, ठीक है भाई। अच्छा तो यहाँ आ जाओ, देखो बेटा यहाँ पर जो है ना ये बेसिकली, अच्छा ये सब चीज़ें क्या नाम, मैं भी बात करता हूँ, यहाँ से टेम्पलेट पा दो, होता है क्या है हमने एक टेम्पलेट दिया बेसिकली बेटा, करना क्या था हमने, करना ये था हमने जो है हमारे पास ये XML थी ना बेटा, ये XML कोड बैठा दो यहाँ से, एग्जाम्पल 4 खोलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 4, ठीक है बेटा ये हमारा टेम्पलेट है XAML 4, ठीक है हमने ये हमारा सही XAML फाइल है, हमने टेम्पलेट दिया,
ये टेम्पलेट बेटा हमारा, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली बेटा हमें ये शो करनी थी, ठीक है ना। अच्छा बेटा टेम्पलेट के अंदर हमने यहाँ पे एचटीएमएल दे दी इसको, ठीक है। एचटीएमएल था, एचटीएमएल का थोड़ा बहुत किसी को आइडिया है? एचटीएमएल को किस किस को यहाँ नहीं पता, जिसने पहली बार नाम भी कभी नहीं सुना या बिल्कुल पता ही नहीं है। अगर छोटा बेटा आपको बेटा ये बॉडी वॉडी का पता है तो फिर मैं डायरेक्ट आगे बढ़ जाऊंगा। अगर एचटीएमएल, फिर मुझे एचटीएमएल बतानी पड़ेगी। यहाँ पे एचटीएमएल पता है आप लोग क्या होता है, किस तरह काम करती है? पता है किस किस को पता है एचटीएमएल के बारे में, ये किसको नहीं पता, किसको एचटीएमएल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्लास में नहीं पता। हाँ बेसिक्स ही बेटा, मैं यहाँ पे कौन सा जहाज बना हूँ, बेसिक्स बिल्कुल बेसिक्स ही चाहिए मुझे, बस बॉडी और ये टेबल नहीं पता। देखो अच्छा बेटा, इसको मैं अगर बहुत 5 मिनट में समराइज कर रहा हूँ, ये तो एक अव्वल पूरी किताब ही है, लेकिन मैं इसको क्योंकि आपके लिए इसलिए समझा रहा हूँ बेटा। देखो आपके पास बेटा कोई भी वेबसाइट खुलती है ना, कोई भी आप, ठीक है, कोई भी जो वेब ब्राउजर पे कुछ भी खुलता है ना, इसके बैक एंड पे एक लैंग्वेज काम करती है, दैट इज कॉल्ड एचटीएमएल, ठीक है। बेसिकली स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है वो, ठीक है। अच्छा एचटीएमएल को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इसमें जमरे में लेके नहीं आते, ठीक है बेटा। बेसिकली लेआउट जो बनता है ना पूरा हमारा पेज का, कि भाई ये देखो फला ये डिजाइनिंग आ रही है, ठीक है, फला ये बोल्ड आ रहा है, ये जो बने डिजाइन आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपका नेविगेशन आएगा और यहाँ पर इस तरह खुलेगा, ये बेसिकली एक लैंग्वेज इनके बैकएंड पे काम करती है स्ट्रक्चर, उसका नाम एचटीएमएल होता है। अब उस एचटीएमएल मतलब यह सिंपल लफ्ज बेटा, ये आपका ब्राउजर सिर्फ एचटीएमएल को पढ़ना जानता है, ठीक है बेटा। एचटीएमएल को ही पढ़ के क्या करता है बेटा, आपको आउटपुट दे रहा होता है वो। मतलब आप दुनिया में कोई भी साइट खोल लें, उसके अगर बैक आप राइट क्लिक कीजिएगा बेटा वहाँ के ना, साइट खोलने के बाद कभी आएंगे ना हम लोग, तो उसको बेटा राइट क्लिक करेंगे ना, वहाँ पर आपको एक चीज दिखा रहा होगा, वो दिखा रहा है पेज सोर्स दिखा रहा है, तो बेटा खोलेंगे तो आपको बैक एंड पे एचटीएमएल दिखा रहा होगा वो, ठीक है ना। देखो स्टार्टिंग में क्या है कि एचटीएमएल आएगा हमेशा, ठीक है, उसमें हेड आ रहा है, कोई सब टैग आ रहे हैं, ठीक है, ये लैंग्वेज है, ठीक है, एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे काम और होते हैं, ठीक है। तो बेटा लेकिन ब्राउजर के बैक एंड पे जो है ना हर लैंग्वेज, ठीक है, जो बेटा जो ब्राउजर आपको शो डेटा करता है वो यूजिंग, ठीक है, एचटीएमएल शो करता है, ठीक है ना, पहली बात तो ये। अच्छा उसमें टैग होते हैं, जिस तरह ना एक्सएमएल की बात करें ना बेटा हम लोग, अच्छा एक्सएमएल में उसमें फर्क क्या है, एक्सएमएल के अंदर टैग हम खुद बना रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर टैग बनाया है कि भाई ये टैग जो है ना मैंने खुद दिया है, ऑथर मतलब ये कोई कीवर्ड थोड़ी है, ये तो मैंने खुद दिया है, फर्स्ट नेम, ठीक है, मैंने खुद दिया है। एचटीएमएल के अंदर टैग बड़ा प्रीडिफाइंड होते हैं, सब बने बनाए होते हैं, मतलब उनकी खास मीनिंग होती है, ठीक है। वहाँ पर एचटीएमएल जैसे कि दिखाता हूँ आपको मैं, अगर जैसे मैंने बनाया हुआ है, मैं टेम्पलेट दिखाता हूँ आपको, ठीक है बेटा। यहाँ पर ना ये देखो सब टैग्स बने हुए हैं, ठीक है, एचटीएमएल के टैग इसकी मीनिंग है ये, ठीक है बेटा। यहाँ पर बॉडी का टैग इसकी खास तरह की मीनिंग है, ठीक है ना बेटा, और ये ठीक है H2 उसका मतलब हेडिंग 2, ठीक है, मीनिंग है इसकी, टेबल इसकी मीनिंग है, ठीक है, TR, ठीक है बेटा। ये सब प्री मतलब स्पेसिफिक टैग है, इन सबको पहले से डिफाइन किया गया है, इनकी खास मीनिंग है, ठीक है बेटा। अच्छा होता क्या है, अच्छा एचटीएमएल में सबसे पहले टैग बेटा एचटीएमएल का टैग आता है, उसमें बॉडी का टैग आता है, ठीक है, ये एचटीएमएल की बॉडी है, ठीक है, बॉडी एंड यहाँ पे हो रही है बेटा, उसके अंदर हेडिंग आ रही है H2, ठीक है, हेडिंग बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेडिंग बन रही थी ना आपकी, वो हेडिंग बन रही थी आपकी काम गई, ये हेडिंग, ठीक है, जो बन रही है बेटा आपकी H2 आ रही है ना, हेडिंग ये से आ रही है, H2 से आ रही है, ठीक है, H2 हेडिंग आ रही तुम्हारी, ठीक है बेटा। H1 भी होती है, इसके लेवल होते हैं हेडिंग के, 1 का मतलब सबसे बड़ी हेडिंग, 2 का मतलब छोटी, 3 एंड 4, ठीक है, एंड सो ऑन, 5 तक होती है, 6 तो 5 तक होती है मेरे ख्याल में, ठीक है बेटा। उसके बाद टेबल अब कैसे बन रहा है, ये आपका टेबल है, ठीक है, टेबल में TR होता है, TR ये बेसिकली बेटा आपके क्या नाम है, ये रोज है, बल्कि सिंपल से जरा मैं आपको दिखा दूँ टेबल किस तरह बनता है टेबल, ताकि आपको इसमें समझने में मसला ना हो। बताइए जो ना एचटीएमएल बेटा, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना एचटीएमएल का, ताकि आपको इसको जरा एचटीएमएल लिख के एक सैंपल एचटीएमएल, सैंपल डॉट एचटीएमएल फाइल बनाई बेटा मैंने एचटीएमएल, ठीक है बेटा। टैग आपको पहले होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे हेड होता है, ठीक है, उसके भी हेड के अंदर आप टाइटल लिख देते हैं, टाइटल, ठीक है बेटा, टाइटल होता है जैसे कि माई, ठीक है, फर्स्ट पेज भैया, माई वेब पेज, ठीक है बेटा। उसके बाद टाइटल बेटा यहाँ पे बॉडी होती है, बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर हम डिफरेंट के सारे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ बॉडी में बेटा अब हेडिंग 1 आ रही है, ठीक है, हेडिंग 1 मतलब जैसे माई हेडिंग लिख दी मैंने, माई हेडिंग, ठीक है बेटा। और यहाँ के जो है अब लेट सपोज, अच्छा टेबल कैसे बनता है, टेबल बेटा यहाँ पर टेबल वन आप टैग लगाते हैं टेबल का, अच्छा टेबल में क्या होता है, टेबल के अंदर बेटा ये टैग आ गया तुम्हारा, अच्छा टेबल का बॉर्डर लगाना है, तो आप लिखते हैं बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ये बॉर्डर बेटा तुम्हारा गया। अच्छा टेबल के अंदर क्या होता है बेसिकली, टेबल में रोज होती है, ठीक है, रोज बेटा अगर आप यहाँ ना यहाँ पर अगर मैं इस टेबल की दिखाऊँ आपको, यहाँ पर बेसिकली क्या है टेबल है, इस टेबल की 3 रोज हैं, 1, 2, 3, ठीक है, उससे कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, ठीक है। यह बेटा अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ ये TR, ये टेबल रो है, इसका नाम TR है, ठीक है बेटा, इस TR में 2 डेटा आ रहे हैं ना, डेटा 1 डेटा 2 आ रहा है ना, ठीक है बेटा। और ये इसकी बेसिकली हेडिंग है TH, होता है बेसिकली क्या है ये बेटा सिंपल लफ्ज में क्या है, यहाँ पर इस टेबल की 4 रोज हैं, 1 रो यारी, 1 रो ये, 1 रो ये, 1 रो ये, इसकी 4 रोज हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फिक्स है बेटा, इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है, सेकंड रो में डेटा आ रहा है, थर्ड रो में डेटा आ रहा है, फोर्थ रो में डेटा आ रहा है, ठीक है बेटा। अब इसी को देखते हुए मैं यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ,
ठीक है बेटा, लेट्स सपोज टेबल बॉर्डर वन का मतलब क्या है, आपको टेबल का बॉर्डर दिखा देगा ये, जो बॉर्डर बेटा आपका बॉर्डर बना हुआ दिखा रहा है। अगर बॉर्डर ठीक है बेटा मैं नहीं लगाऊंगा वन, तो ये क्या करेगा, बॉर्डर से सिंपल से बॉर्डर दिखा देगा ये। अच्छा बेटा यहाँ पे लगा दिए, अब सिंपल इसमें टी आर कितनी है, देखो यहाँ पे कितनी रोज है आप मुझे बताओगे, यहाँ पे कितनी रोज है, 1, 2, 3, 4 रोज है बेटा इसकी, है ना। तो यहाँ पे 4 टी आर बन जाएंगे, टी आर वन हेडिंग की जाएगी बेटा, टी आर वन, टी आर टू, टी आर थ्री, टी आर फोर, 4 रोज आएंगे बेटा। अच्छा अब हर रोज में डेटा बेटा यहाँ पे कितने कितने कॉलम है, यहाँ पे 2 कॉलम है, 1 2, 1 2 और 1 2, है ना। तो बेटा कॉलम किस तरह बनते हैं, टीडी से बनते हैं, हर टी आर में टीडी 2 टीडी आएंगी, ठीक है। टीडी का मतलब टेबल डेटा होता है, टीडी 1, टीडी 2, ठीक है। इसे कॉपी कर दिया बेटा मैंने, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलम, जितने ही कॉलम उतनी टीडी आती है बेटा, कॉलम 2 है तो टी आर में टीडी भी 2 आएंगे बेटा। यहाँ पे टीडी 2 आ गई, यहाँ पे टीडी 2 आ गई, यहाँ पे टीडी 2 आ गई, ठीक है। अच्छा डेटा ठीक है, अब बेटा यहाँ पे टीडी की वैल्यू क्या है, पहले टीडी की वैल्यू फर्स्ट नेम है, तो बेटा मैंने कॉपी कर दी, फर्स्ट रो की फर्स्ट डेटा बेटा फर्स्ट नेम आएगा, सॉरी इसके डेटा डेटा यहाँ आ जाएगा बीच में से। अच्छा फर्स्ट रो का सेकंड डेटा क्या आ रहा है, फर्स्ट रो का सेकंड डेटा लास्ट नेम आ रहा है, तो वो टीडी 2 में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा ये स्टैटिक काम है, लेकिन यहाँ पे जो टी आर है बेटा, ये टी आर जो है ना, यहाँ पे टी आर डायनेमिकली आ रही है। अब मुझे टी आर ऐसे बनानी है कि बेटा टी आर लेट सपोज यहाँ पे तो 3 ठीक है डेटा था, ठीक है बेटा 3 टी आर तो बना दूंगा मैं, लेकिन अगर टी आर रॉस 50 हो तो आपके 50 टी आर बनाओगे, अगर रॉस 100 हो तो 100 टी आर बनाओगे। तो क्या करिए बेटा, हम लोग कुछ लूट लगा देंगे इसमें कि टी आर ऑटोमेटिक बन रही होंगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बेटा एक बात देखना, जितने देखो जितनी रॉस पे टी आर बन रही है ना यहाँ पर आके, लेकिन बेटा 3 टी आर तो ओके, अगर आपके पास टी आर 25, 50 हो या 1000 हो, तो क्या आप 1000 टी आर कॉपी करोगे, क्या कॉपी करते रहोगे, आपके तो पूरा पेज ही भरता है यहाँ पर। तो बेटा हम टी आर हमेशा बनाते हैं यूजिंग लूप, ठीक है ना। अब लूप कौन बनाएगा बेटा आपका, वो आपको बनाएगा कौन, जिसका नाम क्या है, ये लूप बनाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब बेटा मुझे टी आर ठीक है बनाना यूजिंग लूप, ठीक है बेटा मैं आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टी आर एक तो बना दी फिक्स, ये तो फिक्स है, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो मेरी बाकी टी आर है ना, अगर चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जरा वैल्यू लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यार ये मामला था क्या, ठीक है। फर्स्ट में जैसा आएगा, सेकंड में ये एल में आएगा। अच्छा थोड़ा मतलब फास्ट जा रहा हूँ बेटा, ताकि आप, क्योंकि एचटीएमएल मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आना पड़ गया, तो मैं बहुत फास्ट ट्रैक पे इसको कवर कर रहा हूँ। तो बस मुझे सिर्फ समझानी इतनी है जितनी आपके बस इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हो जाए बस, हालांकि ये खुद बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों सी? जी आ रही है, आ रही है लास्ट। ठीक है देखो बेटा यहाँ पर जो है ना, आ गया। अच्छा यहाँ पर 3 रोज ठीक है बेटा, मुझे करना क्या है, मुझे ये जो है ना जेसन वगैरह ये डेटा मुझे कहाँ से उठा के लेकर आना है, मुझे अब करना क्या है, ये तो मेरा पार्ट है, ये पार्ट तो बेटा शो कर देगा ये, ठीक है ये डिजाइनिंग बना देगा इसकी। अच्छा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर कुछ कलर भी आ रहे हैं बेटा, ठीक है बैकग्राउंड कलर आ रहे हैं, तो वो कैसे बनते हैं वो आप यहाँ पर आ दो, यहाँ पर बेटा यहाँ पर एक बीजे कलर भी आ रहा है, बॉर्डर बैकग्राउंड कलर आ रहा है रो का, इसको मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है बेटा ये फर्स्ट रो है ना, इसका कलर क्या हो जाएगा इसका, बट आपको मैं इसको दिखा देता हूँ, ये मैंने बना इसमें बेटा सैम्पल लोडेशन में ना, इसको चला के दिखा भी दूँ आपको मैं। देखो भाई ये एचटीएमएल बेटा सैम्पल एचटीएमएल, ये अब देखो बेटा यहाँ पर डेटा, अब जरा आप जरा कंपेयर कर लो उसको जरा यहाँ से आके, ताकि आप लोग एक साथ खोल देखो मैं। बेटा मुझे बताओ कि ये एचटीएमएल जो मैंने लिखी है इसका आउटपुट ही आ रहा है, ठीक है हेडिंग, इसमें कुछ मसला है यहाँ तक किसी को कि किस तरह बेटा, देखो 3 टीआर बन, 4 टीआर बन गई, फर्स्ट टीआर फिक्स कर दी बेटा मैंने, बाकी सेकंड टी आर में फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम आ रहा है, ठीक है थर्ड टी आर में लास्ट टाइम ये डेटा आ रहा है, यहाँ तक किसी को मसला है जो सामने 2 स्क्रीन आ रही है, ये आपके बेसिक एचटीएमएल है जो कि किसी भी फर्स्ट क्लास में कोई आपको पढ़ाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पर सब टैग्स हैं, देखो एग्जाम्पल की तरह है, लेकिन ये सब टैग्स प्री डिफाइंड है, इनकी मीनिंग वगैरह बॉडी की खास मीनिंग है। देखो बेटा मैंने हेडिंग की लिखी है टाइटल, वो ये वो वैल्यू यहाँ आ रही है, देखो माई वेब आ रहा है, माई वेब पे जा रहा है, टाइटल की वैल्यू आ रही है, ठीक है हेडिंग वन की वैल्यू ये आ गई बेटा, जो मैंने टेबल बनाया बेटा टेबल तुम्हारा ये आ गया। अच्छा अब लेट्स सपोज मैं बॉर्डर 2 कर दूंगा अगर, तो क्या होगा देखना, अब स्टाइल 2 चेंज हो जाएगा इसका, देखो बॉर्डर 2 चेंज हो गया बेटा, ठीक है। अगर मैं बॉर्डर निकाल दूं अब क्या होगा, मैं बॉर्डर 0 कर दूंगा, लेट्स सपोज 0 पे कुछ होता है, नहीं होता है 0 बॉर्डर निकल गया इसका, ठीक है ठीक है बेटा। डिजाइन में कर रहा हूँ तो उसके लिए चेंजिंग हो रही है इसमें, ठीक है ना। तो बॉर्डर 1 ज्यादा बेहतर नहीं है, तो बॉटम में लगा दिया आपने, तो ये दिखा दिया बॉटम से, ठीक है।
क्लियर। अब बेटा यहाँ पर मुझे ये जो चीज है ना, अब ये देखो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, लेकिन अभी सारा काम स्टैटिक हो रहा है। स्टैटिक से मतलब कि डेटा, अब बेटा मुझे करना क्या है, मुझे ये डेटा उठा के कहाँ से लेकर आना है, एक्सएमएल से लेकर आना है। एक्सएमएल से लेके कौन आएगा बेटा, वो उसका नाम क्या है, लेकर कौन आएगा यहाँ तक डेटा एक्सएमएल से, लैंग्वेज कौन सी बेटा, वो उसका नाम क्या है, एक्सएसएल, ठीक है ना बेटा। अच्छा ये पार्ट बेटा फिक्स है ना, यार पार्ट तो मैं कहाँ ले जाऊंगा उसमें, ये टेम्पलेट है बेसिकली। देखो टेम्पलेट की मीनिंग होती है जो पार्ट फिक्स है ना, इट इज कॉल्ड टेम्पलेट। टेम्पलेट अगर आपको बेटा आइडिया होगा ना, हम करते क्या है, हम जो पार्ट फिक्स होता है ना बेटा, हम बोलते हैं ये पार्ट आ जाएगा टेम्पलेट में आ जाएगा। अब इसके लिहाज से बेटा ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो दो रो बेटा, पहली रो और ये हेडिंग, ये फिक्स टेम्पलेट है, ठीक है बेटा, ये टेम्पलेट में आ जाएगा। लेकिन हाँ ये जो टी आर है ना बेटा, ये चेंजेबल है, इसको हम कोड करेंगे। तो बेटा अब जरा यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। देखो टेम्पलेट, देखो बेटा ये पार्ट फिक्स था ना, यहाँ तक पार्ट फिक्स था, ये कहाँ ले गया बेटा मैं, ये पार्ट में कहाँ ले गया, ये पार्ट बेटा मैं टेम्पलेट में ले गया। अब बेटा हुआ क्या, यहाँ पर जो है ना, ये जो रो वाला पार्ट है ना, ये पार्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है बेटा। अभी रिपीट वाला पार्ट देखो यहाँ आ गया। अब यहाँ से आओ, यहाँ पर एक टैग लगा हुआ है, इसका नाम क्या है, एक्सएसएल फॉर ईच लूप, ये लूप है, ठीक है बेटा, ये लूप है, ये लूप स्टार्ट, ये टैग स्टार्ट यहाँ हो रहा है और एंड यहाँ हो रहा है टैग, ठीक है। और बीच में टी आर आ रही है, देखो टी आर एक ही आ रही है, लेकिन बेटा डेटा इनका हर बार नया बार आता रहेगा। तो यहाँ बता रहा है कि टी आर का डेटा कहाँ से आ रहा है, ये बोला भाई इस ये आपका बेसिकली लूप चल रहा है, डेटा का रूप कहाँ से मिलेगा, डेटा यहाँ से मिलेगा। ऑथर्स में जाओ, उसमें ऑथर में ऑथर, अब ऑथर बेटा कौन है, ये ऑथर, ये रहा। ऑथर्स में जाओ, उसके ऑथर फर्स्ट टाइम ये आएगा, सेकंड टाइम थर्ड टाइम ये आएगा, जिस तरह लूप पाइथन पे काम करते थे, याद है आप लोग बेटा लूप, ठीक है ना, ठीक है। डेटा बेटा कहाँ से आ रहा है कि ऑथर का टैग में, यहाँ जाओ उस ऑथर्स में ऑथर मिल जाएगा, डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा सिलेक्ट, ठीक है बेटा। अच्छा अब हर बार क्या होगा बेटा, हर बार उस ऑथर के लिहाज से फर्स्ट नेम पहली बार बेटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा उठ के, और लास्ट नेम यहाँ से आएगा, लूप चलेगा। सेकंड टाइम बेटा फर्स्ट टाइम ओके कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, लास्ट टाइम यहाँ से, थर्ड टाइम कहाँ से आएगा, यहाँ से, यहाँ से आएगा। तो लूप ही लगा हुआ, क्यों, ये फिक्स है, क्लियर है बेटा। लूप कहाँ लगा हुआ है, टीआर टू पे लगा हुआ, क्लियर है बेटा। आप क्या करता है, ये जो लैंग्वेज है ना बेटा, ये क्या कर रही है, आप एग्जाम से डेटा उठा के आपको बेटा डेटा यहाँ शो कर रही है, अब चेक करना। अब यही चीज बेटा अब हो क्या रहा है, ठीक है। अब बेटा ये आपकी एक्सेल फाइल है बेटा, ठीक है, और डेटा उसे कहाँ से मिल रहा है, डेटा यहाँ से मिल रहा है। अब बेटा हुआ क्या, पाइथन के कोड ने ना क्या किया, इसको जब चलाया ना बेटा मैंने, इसने क्या किया, इसने एचटीएमएल दे दी आपको, इसने बेटा क्या दिया आपको, एचटीएमएल दे दी, जो एचटीएमएल बेटा मैंने बनाई थी ना यहाँ पर, ये जो बनाई थी बेटा एचटीएमएल मैंने, ये बनाई थी, ये इसने आपके पाइथन आपको दे दिया। देखो यहाँ पर आपको एक्सेस नहीं, यहाँ पर एचटीएमएल आ रही है आपको, देखो दिखा रहा है टी आर, या पहले हेडिंग दिखा रहा है, हेडिंग बेटा इसकी क्या नाम है, अलाइनमेंट दिखा रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे दिखा रहा है बेसिकली टी आर है। अच्छा यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर जो ना फर्स्ट को यहाँ टेबल हेडिंग कर दो, ये पहले हेडिंग होती है, ठीक है, एक ही बात है, चेक करना इसका आउटपुट सेम ही आएगा। अच्छा क्यों, क्योंकि टी हेडिंग टी आर, सॉरी 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 सॉरी, वो टी आर ही रहेगी, टी आर हेडिंग आप, सॉरी वो टी आर ही रहेगी, टी आर हेडिंग आती, उसमें टी एच, ठीक है ये टी एच हो गया। अच्छा जी यहाँ जो चेक कर लो आउटपुट सेम, ठीक है ना। अच्छा बेटा देखो यहाँ पर ये जो मैंने कोड चलाया ना, यहाँ पर क्या किया इसने, आपने इस टिकट को एक्सेल फाइल दे दी, ठीक है, आपने टेम्पलेट दिया बेटा इसको, आपने एक्सेल दे दी, डेटा यहाँ से मिलेगा और ये टेम्पलेट है, ठीक है बेटा। जब इसको आप मिलाएंगे ना तो क्या करते हैं, आपको एचटीएमएल दे देगा, ठीक है। इसको जब बेटा चलाएंगे ना एचटीएमएल को आप लोग, तो क्या होगा बेसिकली, इसका आउटपुट वही होगा जो हमने बनाया यहाँ पर स्टैटिकली। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है बेटा, ये स्टैटिक फॉर्म है, लेकिन आपको क्या बेटा जब हम ये चलाएंगे बेटा एक्सेल, क्या होगा वो लूप चलाने पर बेटा, जब लूप चलाएगा देखो यहाँ पर, यहाँ पर तीन, यहाँ पर बेसिकली देखो यहाँ पर आ रहे हैं, चेक करना है यहाँ पर टी आर, देखो बट टी आर की टी डी आ रही है यहाँ पर, देखो वैल्यू आ गई यहाँ तक देखो, ठीक है। हालांकि लूप तो बेटा है, लेकिन यहाँ पर डेटा आउट क्या गया उसका, डन। इसको बेटा एस्टिमेट कर, आप चेक करना है अपना आउटपुट ठीक आ रहा है इसका, यहाँ पे चेक करना इसको, और यहाँ से चला देना, मैंने जैसे चलाई भी थी दोबारा बेटा, दोबारा चला देता हूँ इसको यहाँ पर,
एग्जांपल 4 एसक्यूएल के मैंने वहां पे कॉपी किया था ना डेटा को, उसको एग्जांपल 4 एचटीएमएल ये रही। ठीक है बेटा, तो ये है वही चीज, लेकिन बस यहां पर फर्क क्या है, यहां पर इसकी अलाइनमेंट। ठीक है बेटा, ठीक है अलाइनमेंट कर ले आप लोग, उसमें क्या बॉडी है, बॉडी के अंदर ये देखो इसको मैं अलाइनमेंट कर लेता हूं, मतलब ताकि आप लोग को मसला भी ना हो। फॉर्मेटिंग इसकी यार ऑप्शन आता है ना, बस इसकी ऑप्शन दे रहा होना चाहिए इसको, गो टू डेफिनेशन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ही आ गया। हाँ वो तो यार है, हो गया। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर ये बेटा देखो और करना है, दो फाइल है, ये फाइल किससे बना के दी मुझे बनाई है, और ये फाइल ठीक है बेटा मैंने बनाई थी, सॉरी ये फाइल मैंने बनाई थी बेटा, और ये फाइल पाइथन ने बना के दी मुझे यूजिंग एसएसएलटी। ठीक है देखो बेटा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट डायनेमिकली हुआ है, क्लियर है ये बात, क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ बेटा मुझे। ये बहुत आउट क्लास चीज है एक्सेसिबिलिटी बेटा, ये मतलब आपके लिए भी, जैसे कि लेट सपोज अगर छोटा मोटा आपको ये जरूरत पड़ती है आपको, अक्सर बेटा हमें कुछ होता है ना कि हमें डेटा को वेब पर हमें एम्बेड करना होता है, डेटा हमें यह शो करवाना है किसी को, ठीक है तो हम उसको डिफरेंट लैंग्वेज में बेटा ऐसा, ये टेम्पलेट के अंदर जरूरी एचटीएमएल हो। टेम्पलेट क्या पता है, वर्ड की फाइल हो सकती है, ठीक है टेम्पलेट टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है एचटीएमएल तो हमने दिखाई ताकि हम इसको ब्राउजर पर दिखा दें, मतलब ये जरूरी है कि ये, ठीक है बेटा ये मतलब लैंग्वेज है ना, ये पार्ट कहीं भी लग सकता है, मतलब इसके लिए जरूरी है एचटीएमएल ही हो, ठीक है ना, सिंपल टेक्स्ट फाइल भी जब भी काम करेगा ये, मतलब बेसिक टेम्पलेट पर ठीक है आता है, टेम्पलेट के अंदर क्या बेटा आपने वो डिपेंड करता है, भले वो एचटीएमएल हो भले वो एक एक्सएमएल अलग ही हो, क्या पता वो कोई और मतलब क्या नाम है चीज़ हो। ठीक है बेटा, और नॉर्मल होता भी क्या है, होता ये है कि देखो लॉजिक क्या होती है असल में कि हम देखो तीन चीज़ें आती हैं, डेटाबेस जहाँ डेटा रखा हुआ है, आपका एचटीएमएल जहाँ डेटा शो करती है, और डेटा उठ के कहाँ से आएगा, एक्सएमएल से आता है। हम बेटा करते हैं कि हम डेटाबेस से डेटा उठा के लेके आते हैं, हम एक एपीआई के थ्रू डेटा को फेच करते हैं। अगर इसको मैं बना के थोड़ा दिखा दूँ डिजाइनिंग गंदी सी, उसके लिए मैं जैम बोर्ड खोलना पड़ेगा। ठीक है देखो बस समझ ना आप लोग ना, होता क्या है यहाँ पर जरा इसको मैं अगर यहाँ लिख दूँ सिंपल, होता बेटा क्या लॉजिक होती है कि देखो आपके पास डेटाबेस होता है बैकएंड पे, ठीक है बेटा एक्सएमएल होती है, एचटीएमएल होती है, ठीक है देखो होता क्या है लॉजिक होती है बेटा, डेटा आपका रखा, सारा डेटा यहाँ पे रखा होता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है बेटा। अच्छा होता क्या है बेटा, आपका जो है डेटाबेस यूजिंग एपीआई, ठीक है बेटा एपीआई करती क्या बेसिकली बेटा, एपीआई बेटा जाती डेटाबेस जाती है, डेटा उठा के लिखाती है, डेटा किस फॉर्म में आता है, इस फॉर्म में आता है, एक्सएमएल फॉर्म में आता है, ठीक है बेटा एक्सएमएल जिसको यहाँ मिल रही होती है, एक्सएमएल यहाँ मिल रही होती है बेटा, डेटाबेस एक्सएमएल देगा उसको, एपीआई एक्सएमएल बेटा आपको दे देगी, आप उस एक्सएमएल को बेटा बेटा उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे आप इस फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो डेटाबेस से डेटा आपका शो हो जाएगा एचटीएमएल के अंदर बेटा, लेकिन यूजिंग दिस फिनोमेना एक्सएमएल बेटा देगा आपको वो, ठीक है आप उसकी एपीआई बेटा कॉल करवाएंगे उसको, एपीआई आपको डेटा फॉर्म में दे रही होगी, आप उसके अंदर ये लगाएंगे बेटा, ठीक है बेटा उस लगाने के बाद आपकी डेटा इस फॉर्म में मिल जाएगा, तो आपको एक्सएमएल का डेटा डेटाबेस डेटा उठ के बेटा शो इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ये फिनोमेना होता है। अच्छा जी यहाँ तक सवाल था, जरा एग्जाम्पल टू पे आते हैं यार, एग्जाम्पल ही रह गया आज तो, अभी एक घंटा बाकी है, अभी मुझे शुरू कुछ और चीज़ भी करनी थी। ठीक है बेटा इधर यहाँ आते हैं, ये क्या चीज़ है, एग्जाम्पल फोर क्या चीज़ है, नहीं सॉरी ये तो वही है ना, फाइव पे आते हैं, फाइव क्या चीज़ है, इधर फाइव पे आते हैं। यहाँ तक किसी को सवाल बेटा, ये समझ के थोड़ा बहुत तक चीज़ें क्लियर हो गई ना आपको, जब प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा बहुत आइडिया आ गया ना बेटा ये मामला है क्या, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होती है, और किस तरह डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब बेसिक ऐसा तो कहीं नहीं कि इसको बिल्कुल भी आइडिया ना हो हुआ क्या है, सब कुछ नहीं क्लियर रखा होगा भाई यहाँ बैठ के जूम के ऊपर, आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा जब चीज़ें आप क्लियर होंगी, अभी तक आपको बेसिक आइडिया आ गया कि है क्या चीज़ मतलब किस तरह काम कर रही है, जब आपको इंशाल्लाह फाइल मिल जाएगी बेटा उस पर काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको बिल्कुल अभी तक ये आइडिया ही नहीं क्लियर हुआ सर एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, अगर है तो मुझे बताओ मैं रिपीट कर दूंगा।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर टिकट ठीक है, यहाँ पर 5 पे आते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल है इसकी, बल्कि ये आप खुद की जगह तो बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल पाता हूँ। है वही चीज़, ठीक है बेटा एग्जाम्पल वही इसकी आ रही, ठीक है ना, वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है एग्जाम्पल 5 तो बहुत ईजी है, बिल्कुल सेम इसी तरह आप लोग इसको कर लेंगे, आप पे छोड़ दिया मैंने। उसके बाद क्या है एग्जाम्पल 5 के, ये CD कैटलॉग, ठीक है बेटा। हाँ ये डेटा जरा नेट से मुझे मिला था, इसको मैंने बनाया यहाँ पर, ठीक है CD कैटलॉग है ना, इसको जरा बनाया, इस पर जरा हम काम करते हैं। ये क्या चीज़, ये काफ़ी बड़ा डेटा है, तो CD कैटलॉग खोलते हैं। CD कैटलॉग के एग्जाम्पल खोली मैंने, CD कैटलॉग एग्जाम्पल ये आ गई, ठीक है बेटा। यहाँ पर CD डिफरेंट है, कैटलॉग मतलब CD के टाइटल आ रहा है, आर्टिस्ट कौन है, कंट्री ठीक है, कंपनी और सब चीज़ आ रही है CD के, वैसे यहाँ पर डिफरेंट नाम आ रहा है। ठीक है तो इसके अंदर ठीक है बेटा, हमने एग्जाम्पल ठीक है ये है, इसके ऊपर हम किस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा को। तो ठीक है बेटा यहाँ आके जो है ना, अगर मैं आ जाता हूँ अब इसमें एग्जाम्पल भी क्या हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर इसकी CD कैटलॉग 1 ठीक है बेटा, इसका नाम है फाइल का जो ट्रांसफॉर्म फाइल है, ठीक है बेटा। इसको हम चलाते हैं और चेक करते हैं इसका आउटपुट जो है ना, एक्चुअल में डेटा क्या दिखाया इसमें, इसको अगर हम देखते हैं और यहाँ पे शो कर देते हैं डेटा को, फिर हम डेटा देख के फिर बात करते हैं कि हुआ कैसे होगा ये। ठीक है बेटा मैं आया और यहाँ के इसको मैंने स्टेप क्या होंगे, फाइल बनाई न्यू बेटा मैंने, यहाँ पर आकर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा पहले इसको पेस्ट नहीं किया, पहले इसको मैंने फाइल को सेव कर दिया HTML के अंदर ताकि फॉर्मेटिंग ईजी हो जाए। तो इसका नाम भी दूंगा CD कैटलॉग 1.HTML, ठीक है नाम दिया था मैंने। यह मैंने फाइल कॉपी कर दी, कंट्रोल ए किया और डॉक्यूमेंट को मैंने कर दिया फॉर्मेट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है भाई डॉक्यूमेंट आपका हो गया फॉर्मेट, ठीक है अब चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फिर बात करते हैं। CD कैटलॉग एस्टिमेट, हाँ भाई अगर मैं इसकी बात ना भी करूँ तो आप समझ जाओगे क्या हुआ होगा उसके अंदर। हाँ भाई CD कैटलॉग को डेबिट में कन्वर्ट कर दिया, ये आप अगर मैं ना भी कराऊँ तो बिल्कुल सेम चीज़ है, बस फर्क डेटा आ रहा है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर एक फर्क है, अरे कोई फर्क दिख रहा है यहाँ पर बेटा आप लोगों को, तो चेक करो इसमें, मतलब जरा चेक करो कि बताएगा मुझे अगर मैं दोनों को साथ खोल दूँ यहाँ पर, जरा यहाँ गौर कर लो कि आर्टिस्ट का नाम क्या आ रहा है, ठीक है ये टाइटल पहला क्या आ रहा है, रोमांजा आ रहा है, आर्टिस्ट का नाम क्या आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट टाइटल ये आ रहा है, आर्टिस्ट क्या आ रहा है, आर्टिस्ट का नाम कुछ और आ रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा दूसरा नाम देखो बेटा, दूसरा नाम यहाँ पर आर्टिस्ट का आ रहा है कि ठीक है बिगी सी का आ रहा है, और ये देखो बेटा यहाँ पर जो है ना बेसिकली एक तरीके से, हालांकि आपके XML फाइल के अंदर इसकी सॉर्टिंग नहीं हुई हुई, यहाँ पर पहले टाइटल ई से आ रहा है, फिर एस से आ रहा है, फिर जी से आ रहा है, सॉर्टिंग नहीं, लेकिन बेटा यहाँ पर आप देखो आर्टिस्ट के नाम की वजह से सॉर्टिंग हुई हुई है, दिख रहा है आपको डेटा को सॉर्ट किया हुआ है आर्टिस्ट के नाम की वजह से सॉर्ट किया हुआ है, नहीं किया हुआ किया है, नहीं किया है ना। अब बेटा वो किसने करवाया है वही चीज, ठीक है अब जरा देखते हैं कैसा हुआ, बिल्कुल सिंपल है भाई, टैग लगता है इसका सॉर्टिंग का। अब बेटा यहाँ जरा फाइल खोलते हैं इसकी, इसकी जो एक्सेल फाइल है, क्या गया मैं कैटलॉग 1 की फाइल खोली बेटा मैंने, वो सिर्फ एक टैग लगा हुआ था बेटा, सॉरी HTML फाइल है, इस फाइल को मैंने खोला एक्सेल फाइल कैटलॉग, तो डाउनलोड कर रहा है भाई, डाउनलोड नहीं करनी खोलनी है, हाँ भाई याद हो सब कुछ सेम है, ठीक है बेटा ये बस यहाँ पर वही देखो फॉर ईच लूप आ गया, आ गया बस बेटा यहाँ पर एक देखो वही लूप ठीक आ गया, वही पहला देखो आर्टिस्ट सेम आ गया फर्स्ट, ठीक है कॉन्स्टेंट बेटा, सेकंड देखो वहाँ पर TR देखो लूप में आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे दिखा रहा है कैटलॉग उठा के CD डेटा टाक लाओ, ठीक है बेटा कैटलॉग के अंदर कैटलॉग पे जाओ, ठीक है कैटलॉग में CD का डेटा उठाओ, ठीक है बेटा वो डेटा वहाँ से उठा के लेके आएगा ये। अच्छा यहाँ के बेटा देखो जरा यहाँ के बस फर्क यहाँ पे आ रहा है कि भाई इसको सॉर्टिंग कर दो, किस क्लास से कर दो बेटा, आर्टिस्ट का सॉर्टिंग कर दो, ठीक है तो सॉर्टिंग हुई भी, क्लियर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे वाली चीज क्या है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है CD इसी की है, एग्जाम्पल फाइल सेम है लेकिन कैटलॉग ठीक है बेटा, इसकी जो ये फाइल है डिफरेंट फाइल है, चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है फिर बताऊंगा आप लोगों को। इसका आउटपुट कुछ काम आ रहा है, ठीक है मैं यहाँ पे देखो बड़े एच में आ रही बेटा, यहाँ पे कुछ और काम हुआ है, इसको जरा पहले यहाँ पर करते हैं कॉपी और फिर यहाँ पे हम सेव करते हैं न्यू फाइल,
ठीक है, इसको सेव कर दो पहले, सीडी कैटलॉग ठीक है two.html ठीक है ना, इसको सेव कर दिया मैंने, इसको यहाँ पे कॉपी किया, कंट्रोल ए करने पर फॉर्मेटिंग कर दी इसकी बेटा मैंने, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के जरिए गया ठीक है। अब यहाँ पे डेटा कम आ रहा है ठीक है, डेटा कम आ क्या रहा है देख लेते हैं पहले हम लोग ठीक है, डेटा बेटा कर रहे हैं और यहाँ के चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, सी डी कैटलॉग टू। हाँ भाई देखो बेटा यहाँ पर देखो आपकी असल में एग्जाम्पल ये थी कांगे सी डी कैटलॉग ठीक है बेटा। अब यहाँ पे तीन बेसिकली कॉलम आ रहे हैं ठीक है, सही है बेटा, तीन कॉलम आ रहे हैं और यहाँ पर एक टाइटल आ रहा है, आर्टिस्ट आ रहा है और प्राइस आ रहा है ठीक है बेटा। और प्राइस वो आ रहा है जिससे जो सिर्फ 10 से बड़े ठीक है, ग्रेटर देन 10 आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा, सिर्फ प्राइस वो आ रहा है जो 10 से बड़ा है, ऐसा ही है ना। अच्छा बेटा यहाँ पर अब लॉजिक क्या लगे देखते हैं जरा हम लोग ठीक है बेटा। अब जरा हम खोलते हैं इसकी फाइल और यहाँ आके चेक करते हैं भाई स्केचलॉग, देखो बेटा फाइल यहाँ पे कौन सी है, फाइल चेक कर लीजिएगा आप लोग, जो मैंने कोड लगाया हुआ ना कोड के अंदर यहाँ पर फाइल कैटलॉग टू है, नहीं टू नहीं सॉरी हाँ टू है ठीक है बेटा, टू फाइल खोली है हम लोगों ने, तो आप यहाँ पे खोल टू फाइल खोलेंगे तो यहाँ आ जाएंगे और कैटलॉग टू फाइल खोल दी ये ठीक है बेटा। सब कुछ सेम है यहाँ पे, देखो हेडिंग तीन आएंगे क्योंकि यहाँ पे तीन हेडिंग आ रही है, टाइटल आर्टिस्ट प्राइस की हेडिंग आ रही है बेटा। यहाँ पे देखो वो डेटा यहाँ सेट कर आ रहा है, हाँ यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन बेटा क्या लगी हुई है कि प्राइस इज ग्रेटर देन ठीक है 10 से, ऐसा बेटा ये कोड होता है। अच्छा इसका मतलब होता है कि बेसिकली यहाँ पर आपके पास कोड ठीक है हम यूं नहीं सकते, मतलब ये एरर आ जाएगा ठीक है, बल्कि शायद काम शायद करें देख लेते हैं, आई डोंट नो कि इस पे काम करेगा नहीं करेगा, वरना हम लोग उस पे की लगाते हैं, चेक करते हैं इसको, अगर मैं लगाता तो क्या आउटपुट आता, ये आउटपुट आ गया, आउटपुट आ गया ठीक है, आउटपुट इसका आ गया। लेकिन बेटा यहाँ पर आप इसको ठीक है यूं भी ला सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि HTML के अंदर एक मसला आशा आ सकता है। हाँ मसला तो क्या आएगा, मसला बेटा ये आएगा देखो, अगर ये टैग लगा दी ना आपने, देखो यहाँ तो खैर ये एरर नहीं दे रहा लेकिन कहीं क्या पता एम्बिगुइटी ना हो कि ये टैग है, देखो बेटा क्योंकि ये इसके इसके तरह ही है ना, ये तो क्या पता पार्सिंग करते हुए ठीक है कहीं एम्बिगुइटी आ सकती है कि भाई ये भी टैग है ठीक है बेटा। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसी जगह ये लगा सकते हैं ठीक है बेटा, ये कुछ कोड होता है, इसका मतलब ग्रेटर देन होता है, जी फॉर ग्रेटर टी फॉर ग्रेटर देन, और ये लगाते हैं आप स्टार्टिंग बेटा ऐसे करते हैं, एंडिंग ऐसे करते हैं और ठीक है जी टी लिख देते हैं, इसका मतलब एक्जैक्टली वही होता है ग्रेटर देन होता है ठीक है। अगर बेटा ग्रेटर देन लेस देन की जगह आप ये लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई और हो तो आप शायद इज इक्वल टू लगाते हैं, लेकिन बेटा ये लगाया हुआ है कि कहीं पार्सिंग के अंदर मसला ना आ जाए कि यार कि ग्रेटर देन को टैग समझ रहा हो, देखो ना ये टैग भी ग्रेटर देन की तरह होता है क्लियर है बेटा। तो हमने उसकी जगह हमने कोड लिखा हुआ है यहाँ पर इसका ठीक है, स्टार्टिंग एम्परसेंस से होता है बेटा, एंडिंग में आता है, बीच में लिखा हुआ है जी टी, जी फॉर ग्रेटर टी फॉर ग्रेटर देन ठीक है बेटा। इसका मतलब बेटा सिर्फ वो इफ इफ लगाया हुआ है, इफ ये टेस्ट है बेटा, ये लॉजिक है, ये टेस्ट बेटा कीवर्ड है यहाँ पर, ये लॉजिक है इसकी कि भाई कि सिर्फ वो लेकर आओ प्राइस जिनकी वैल्यू क्या है 10 से बढ़कर ठीक है, सिर्फ वो लेकर आएगा ये, बात क्लियर है ठीक है जी। उसके बाद एक और लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्योंकि लास्ट में कल में एग्जांपल दी हुई है कि कैटलॉग 3 चेक कर लेते हैं क्या चीज है ठीक है। यहाँ पे कुछ कहानी डिफरेंट है, इसको चेक करते हैं आउटपुट पहले क्या आ रहा है ठीक है, आउटपुट इसकी चेक कर ली है, सॉरी फाइल न्यू फाइल सीडी कैटलॉग 3.html ठीक है, कंट्रोल वी किया कंट्रोल ए किया और इसको कर दिया फॉर्मेट ठीक है बेटा। अब चेक करते हैं आउटपुट क्या, कैटलॉग 3.html ठीक है बेटा। हाँ भाई यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, बेसिकली आउटपुट तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ हाइलाइटिंग इसने की हुई है ठीक है ना, मतलब कुछ आर्टिस्ट के ठीक नाम चेंज किसने दिया, यहाँ पर कलर चेंज कर दिया बैकग्राउंड के ठीक है बेटा, हो क्या रहा है। अब चेक करते हैं लॉजिक क्या लगी इसके अंदर, लॉजिक क्या लगी भाई चेक कर लेते हैं। हम क्या खोलेंगे, यहाँ आएंगे ओपन करेंगे एक्सेल, देखो बेटा यहाँ पर लॉजिक क्या लगी हुई, यहाँ पर आप चेक कीजिएगा जरा, देखो डेटा तुटके वहीं से आ रहा है ठीक है, डेटा तुटके बेटा वहाँ से आ रहा है ठीक है। यहाँ पर टी आर में जाके ना यहाँ पे बेटा यहाँ पर जो है ना वो लगी हुई चूज का ठीक कीवर्ड लगा रहा है। अच्छा ये बेसिकली चूज क्या करता है यहाँ पर, अगर ठीक है सिंपल ये कि अगर इसकी वैल्यू मतलब बेसिकली ये ठीक है, अगर टेस्ट तुम्हारा बेटा ये है ठीक है, ये क्या चेक क्या करता है बेटा, ये चेक करता है कि उन दो में से जो ट्रू होगा बस वो उठा के रख देगा वैल्यू,
चेक कर भाई कि ये जो पर्टिकुलर टैग है तुम्हारे टाइटल का, अगर इस टैग की वैल्यू 10 से बढ़कर है तो इसका कलर क्या कर देगा, ये कलर कर देगा बेटा, और आर्टिस्ट की उठा कर देख देगा। अगर नहीं है तो क्या करेगा बेटा, उसको नॉर्मल लगा देगा। सिंपल कर क्या रहा है, जिनकी वैल्यू 10 से बढ़कर है उनका कलर ये कर रहा है बस। और अगर बेटा कलर 10 नहीं है तो वैन, देखो यहाँ पे चूज है ना, यहाँ पे चूज बेटा स्टार्ट यहाँ हो एंड यहाँ हो गया, ठीक है। चूज में दो चीजें आ रही है, एक वैन आ रहा है और एक अदरवाइज आ रहा है, ठीक है बेटा। अगर कंडीशन ये हो ट्रू हो तो भाई जो उसको पर्टिकुलर आर्टिस्ट है ना उसका कलर ये कर देगा। अगर 10 से बढ़कर वैल्यू ना हो, लेस देन हो, तो भाई अदरवाइज चल जाएगा, ठीक है। टीडी की बेसिकली दो वैल्यू आ रही है, एक कलरफुल आ रही है बेटा और एक आ रही है विदाउट कलर आ रही है। अगर आपकी वैल्यू 10 से बढ़कर है तो कलर कर देगा भाई, अगर 10 से बढ़कर नहीं है तो बेटा क्या करेगा, ये कर देगा। लेकिन ये एक ही टाइम पर एक ही वैल्यू लेगा, या तो ये लेगा या तो ये लेगा, वही वाली कहानी इफ एल्स वाली कहानी है, सही है बेटा। अगर ये चलेगा, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये चल जाएगा, सही है। व्हेन ये अदरवाइज दिस, वो इंग्लिश का वर्ड है बेसिकली, यहाँ पे इफ एल्स नहीं है, यहाँ पे बेटा क्या है कि व्हेन ये ट्रू है तो बेटा ये कर देगा, अगर ये ट्रू नहीं है तो अदरवाइज चला देगा, ठीक है। बस बेटा कर क्या रहा है, ये चेक कर रहा है कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो उससे कलर क्या कर देगा, ये देखिए जो भी कलर इसका कोड आ रहा है यहाँ पर जो कि ये कर देगा। इसलिए बेटा वो लेके आ रहा है जिनके कलर जिनकी वैल्यू 10 से बढ़कर है, सिर्फ उनको क्या कर रहा है, ये कलर कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास बेटा किस तरीके से हम ठीक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और इसके अंदर आप जो है ना क्या नाम है, अच्छा ये मैंने एचटीएमएल की फॉर्म में लिखाया ताकि थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट जो है ना क्या नाम है वो चीज़ें दिखें। अच्छा आपको मैं अगर टास्क दूँ बेटा, टैग इसके 3 से 4 टैग हैं बस ये, ठीक है। मैंने बल्कि आपको कुछ टैग और भी दिखा दूंगा, एक चूज है, एक इफ एल्स है, एक फॉर ईच है, और मतलब एक इंक्लूड है मेरे ख्याल में, एक रिक्वायर्ड, 5 से 6 टैग हैं बस इसके, उसी पर अपने गेम खेलना होता है पूरा, ठीक है। मतलब कोई इतना ज़्यादा टैग नहीं है इसके, ठीक है। 5-6 टैग है जो यूजफुल होते हैं, 3-4 टैग मैंने करवा ही दिए, बाकी आपको मैं अलग से भेज दूंगा कोई एक और डॉक्यूमेंट वगैरह, तो यहाँ याद तो रखना पड़ेगा, ऐसी बात है आप लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत इतना भी मतलब आपको दिख गया कि भैया किस तरह टेम्पलेट्स होने। अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, ये टेम्पलेट यहाँ पर एचटीएमएल का, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी है आपकी छोड़ी हुई है, उसके अंदर एचटीएमएल नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है वो, ठीक है। तो वो बेटा आके क्या नाम है आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आपको एग्जाम्पल नंबर 2 शायद मेरे ख्याल में थी आपकी छोड़ी हुई, ठीक है। सब कीजिएगा बेटा आप लोग, और मैं ट्राई करूंगा कुछ एग्जांपल और बना के ना, मतलब उसको भी जो है क्या नाम है आपको दे दूंगा। असल में इसलिए एग्जांपल नहीं, थोड़ा आपको नजर आया कि इसका सही इस्तेमाल होता क्या बेसिकली फैसिलिटी का, ठीक है ना। और आपको ये काफ़ी जरूरत पड़ेगी कि आपको जो है ना क्या पता आप आगे जब चीज़ों को बढ़ेंगे तो आपको मतलब डेटा को एग्जाम से उठा के डेटा को बेटा अपनी यू आई फॉर्म में शो करना पड़ता है, या आप डेटा को किसी फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है ना। अच्छा लेट्स सपोज अगर मैं काम करूँ यहाँ के, अगर मैं यहाँ के लेट्स सपोज ये चीज़ निकाल दूँ, अगर मैं बल्कि छोड़ो फिर वो 10 मसले आएंगे एरर फिर निकाल निकल के आपको आधा घंटा समझ जाएगा, ठीक है जी। तो ये ओके रिपोर्ट यहाँ तक। अच्छा एग्जाम्पल ठीक है बेटा ख़त्म कर दी, अब मैं चाहूँगा जैसन जो है ना ये आप लोग खुद पढ़ें, जैसन को आप लोग खुद पढ़ सकते हैं असाइनमेंट। बस सारे काम बेटा हमने कर लिए हैं, बस आपने बस फॉर्मेटिंग दे बहुत सिंपल है, आपने पाइथन की डिक्शनरी वगैरह पढ़ी है ना, बट उसको जरा नेट पे जाके आप लोग ये बुक से जैसन को बेटा 3 से 4 पेजेस दिए हैं उसके फॉर्मेटिंग के, वो आप खुद पढ़ लें तो काफ़ी जो है ना हमारा टाइम बच जाएगा हमारा। आपको बेस्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ थोड़ी मोटी, लेकिन बेटा आप अपना हाँ मैं ब्रीफ थोड़ा बहुत कर देता हूँ। तो सबसे पहले 5 मिनट ब्रेक लें, मेरा गला सूख गया था बोल के, 5 मिनट ब्रेक करते हैं असीब फिर जो है ना कंटिन्यू करते हैं, या आप प्रोजेक्ट करना कर दें इसको, ठीक है ब्रेक ले लो 5 मिनट, बस ठीक ब्रेक ले लो 5 मिनट, ठीक है।
चैटिंग भी आ गई, तुम होल्ड होल्ड कीजिएगा तुम। अच्छा मैंने सब बेटा जितना भी अभी तक किया ना, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा यहाँ ओके। अच्छा बेटा जो अभी तक हमने सब कुछ पढ़ा ना क्लास, जो काम हमने चेंज भी किया है उसको मैंने यहाँ पे पुश कर दिया है, तो आपको सारा यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। डेटा मॉडल्स में जहाँ बेटा आप, ये हमारे पास फोल्डर है एग्जाम का, वहाँ जाएंगे तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ों भी रखी है मैंने अभी। किसी लिनक्स का, मेरे ख्याल में लिनक्स की कुछ चीज़ें रखेंगे बेटा, वो मैं इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है ठीक है, सारे बेटा फोल्डर बने हैं सबके अंदर, सब चीज़ें पढ़ेंगे ठीक है। नोटबुक हमारी आ रही एग्जामिनर की, आवाज़ आ रही है मेरी आसिफ? ठीक है सही है, ठीक है बेटा ये सब चीज़ें यहाँ पर सब पढ़ी हुई, सब मैंने अभी तक जो पढ़ा है सब मैंने यहाँ का पुश कर दिया, ठीक है ना, सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अच्छा यार जसन को क्या नाम है, ये मैं अभी होल्ड करता हूँ ठीक है। जसन को क्या नाम है, बहुत अभी तक सब कुछ जो बेटा हमने पढ़ा है ना सब कुछ वही है, बस उसकी सिंटेक्स डिफरेंट है ठीक है। तो उसकी मैं क्या नाम है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ नई चीज़ शुरू करनी है मुझे। चैप्टर नंबर हमारा बुक का मेरे ख्याल में 6 है या 7 है ठीक है। एक टेम्पलेट लैंग्वेजेस जिंजा नाम है ठीक है उसका, तो बेटा हमें उसको शुरू करना है। तो उस मैं चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ आ जाऊँ कुछ, मतलब आधा घंटा वहाँ निकाल दूँ जैसन को हम, ठीक है। इंशाल्लाह कल वल जब कराएंगे तो हम वहाँ 5-10 मिनट के लिए देख के जो है कवर कर देंगे ठीक है, ताकि जो आधा घंटा मेरा ना पूरा उसमें निकल जाए जिंजा में, ठीक है सिर्फ ठीक है जी। ठीक है। और जैसा वैसे भी चीज़ें बाद में बार बार आएंगी ठीक है हम, लेकिन जो एग्जामिनल काफ़ी डिटेल थी तो मैंने काफ़ी टाइम इस पर लिया ठीक है ना। अब जी जैसन के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आधा घंटा उसको यहाँ नहीं, उसको जिंदा में लगा देते हैं, ताकि हम लोग थोड़ा जो कोर्स से थोड़ा पीछे भी हैं तो बिल्कुल हम ठीक है वहाँ आ जाएंगे ठीक है, स्मूथली हो जाएंगे। ओके ओके क्या नाम है, सबसे जिंजा से बेटा स्टार्ट करने से पहले हम जरा देखेंगे कि ये टेम्पलेट लैंग्वेज होती क्या है। सबसे पहले तो मैं सवाल आप लोगों से कि टेम्पलेट्स बेसिक टेम्पलेटिंग क्या होती है, टेम्पलेट कैसे बनते हैं, टेम्पलेट क्यों बनते हैं बेसिकली, टेम्पलेट वगैरह क्या फायदा बेसिकली क्या होता है, टेम्पलेट हम क्यों बना जाते हैं कोई बताएगा मुझे कि किस, मतलब उस नेटवर्किंग के परस्पेक्टिव में छोड़ दो, टेम्पलेट्स बेसिकली नॉर्मल लाइफ में टेम्पलेट्स मतलब क्यों बनते हैं किसी भी, आप नॉर्मल लाइफ में कभी अगर आप जैसे कि कोई ऑफिस इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर कोई आप ईमेल के टेम्पलेट्स बना के रखते हैं कि यार ये ईमेल मुझे डेली बेसिस पे करनी है, तो कुछ टेम्पलेट्स बना के रखते हैं। अगर आपने किसी को मेल मर्जिंग का आइडिया, मेल मर्जिंग जो होती है एक्सेल के अंदर कभी किसी ने की है क्या, मेल मर्जिंग का आइडिया किसी को एक्सेल के अंदर, इतना कोई ऑफिस में कभी काम किसी ने किया क्या? एनीवन जिसको मेल मर्जिंग का पता हो, एक्सेल और एमएस वर्ड में होती है, मतलब टेम्पलेटिंग की सब सबसे बेसिक एग्जांपल जो है ना किसी भी मतलब बंदे के लिए बेसिक जो है ना ये मेल मर्जिंग होती है। तो ये ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं आप? ये ऑटोमेशन नहीं, टेम्पलेट्स हाँ ऑटोमेशन कह लो उसको ठीक है हाँ, लेकिन बेसिकली ये हम टेम्पलेट्स ऑटोमेशन पे खैर अभी नहीं आ रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि टेम्पलेट्स क्यों बनते हैं और मेल मर्जिंग मतलब एक नहीं, मेल मर्जिंग में बात कर रहा हूँ ये इसकी नहीं है क्या नाम है, ये हमारे कोर्स की नहीं है, एक एक्सेल के अंदर होती है, एमएस ऑफिस
उसमें एक्सेल में होती है। असल में ना मेल वगैरह सेंड करते हैं जी जी सारे गूगल ही खोल देता हूँ, उनके पास एक वही बात के टेम्पलेट बना हुआ है कॉपी पेस्ट करते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उनके पास एक कॉलम में लिखा होता है वो मेल ऑटोमेटिकली जा रही है, इसी की बात कर रहा हूँ। यही बात करो, देखो होता बेसिकली क्या, देखो मेल में टेम्पलेट्स से बात करने से पहले ना यहाँ अगर आपको एक बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि ये तो बच्चे ये ऑफिस वगैरह में कभी इंशाल्लाह अगर आप एक्सेल वगैरह पे काम करना और हर बंदे ने करना पड़ता है यार, भले आप इंजीनियर बन जाओ या आप कुछ बन जाओ एक्सेल पर तो हर बंदे ने काम करना ही पड़ता है, ईमेल वगैरह तो ये ठीक है कॉमन होती है। ऐसा कभी होता ना कि आप लोग मास लेवल पे ईमेल करते हैं, लेट्स सपोज आपको एक सवाल करता हूँ, अगर मैं यार कोई ना मुझे बॉस एक टास्क देता है कि यार एक काम करो ये 100 बंदे कि 1000 बंदे ठीक है ना, 1000 बंदों को ईमेल करनी है ठीक है, अच्छा उन ईमेल के अंदर क्या नाम है जो है ना बस आपने बस उसका कंटेंट सेम है ठीक है ना, बस में कुछ ना मतलब जैसे हर बंदे के लिए से स्पेसिफिक कुछ चेंजेस है कि भाई जो बंदा अगर सिंध में रहता है तो उसके लिए चेंजेस की करनी है आपने, कोई बंदा अगर रहता है पंजाब में उसकी चेंजिंग की करनी है, मतलब आपने पर्टिकुलर कैटेगरी के लिहाज से कुछ चेंजेस करनी है ठीक है ना बेटा। अब पहली बात 1000 बंदे क्या पॉसिबल तो है, जैसे बात आपने अब 1000 बंदे के लिए एक बार नई ईमेल कंपोज की उसको सब टाइप किया, ये टाइप तो नहीं किया कॉपी पेस्ट कर दिया लेकिन चेंजेस किया गया ना कि भाई ये बंदा है तो चेक किया या इसकी क्या नाम है जो है ना वैल्यूज क्या आएंगी उसके लिहाज से आपने हर 1000 बंदे को अलग अलग ईमेल कर रहे हैं आप ठीक है, एक तरीका तो ये होता है ठीक है। या तो बेटा तरीका क्या होता है, आप एक काम करो आप एक टेम्पलेट बनाओ टेम्पलेट ठीक है ना, उस टेम्पलेट में जो है ना डियर लेट सपोज, एक तो होता है कि अगर मैं टेम्पलेट नहीं बनाता ठीक है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई हर ईमेल में जाऊंगा और हर ईमेल में जाकर जैसे डियर सलमान ठीक है नाम लिखा उसका बाकी ठीक है ये पूरी पूरी कहानी आ गई ठीक है ना लिखे एंड बाकी आपने रिगार्ड्स लिख के हैंड कर दिया उसको रिगार्ड्स ठीक है ठीक है। अब लेट्स सपोज सामान के लिए ठीक है भाई यहाँ पे वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पे कोई मैं कहता हूँ अगर लेट्स सपोज यहाँ सामान के लिए आईपी एड्रेस की वैल्यू भाई क्या थी ठीक है ये तुम्हारी ठीक है ये हम ठीक है कहने में क्या है ठीक है ये वैल्यू थी लेट्स सपोज उसका डीएनएस क्या नाम है उसका जो था अपना उसका डीएनएस था ठीक है ये आईपी सेम रहेगा डीएनएस सेम रहेगा और कुछ क्या पता कुछ कंटेंट थैंक यू वगैरह की कुछ चीजें यहाँ पर ठीक सेम हो ठीक है जो चीजें भी। अब चेंजेस बेटा कहाँ हो रही है यहाँ हो रही चेंजेस यहाँ हो रही तो हम इसको क्या करेंगे एक हम बनाएंगे टेम्पलेट बनाएंगे ठीक है, हम जो चीजें बेटा चेंजेबल है ना सलमान चेंजेबल है इसको हम एक फील्ड में ले जाएंगे फर्स्ट नेम लेट्स सपोज सलमान एक नेम है इसको हमने फील्ड बना दी ठीक है, आईपी एड्रेस बेटा ये चेंजेबल है इसको हमने एक फील्ड बना दी आईपी एड्रेस ठीक है ठीक है, डीएनएस एक चेंजेबल है बेटा इसको हमने एक फील्ड बना दी DNS 1 ठीक है 1 ठीक है, इस तरीके से क्या नाम है यहाँ पर DNS 2 ठीक है हमने एक फील्ड बना दी ठीक है, ये चीज ठीक है चेंजेबल नहीं है बेटा तो हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, टेक्स्ट चेंजेबल नहीं है हमने छोड़ दिया ठीक है, अगर चेंजेबल होगा तो हम उसे कर देंगे। अब बेटा ये फील्ड बन गया, अभी फील्ड का डेटा कहाँ से आ रहा होगा क्या ये ठीक है क्या पता बेटा यहाँ पर एक जो है ना एक एक वापस एक्सेल की फाइल हो पूरी ठीक है, अगर यहाँ पर मैं टेबलेट कर देता हूँ ठीक है यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ये फाइल इस बनाओ ठीक है भाई, यहाँ पर लेट सपोज एक बंदा हो भाई सलमान उसका क्या नाम है उसकी आईपी एड्रेस ये हो ठीक है, लेट सपोज मतलब ये भी उसकी डीएनएस हो और भाई इसकी वैल्यूज ठीक है, एक बंदा है खुर्रम ठीक है उसकी आईपी एड्रेस ये हो भाई उसकी उसका डीएनएस ये हो उसकी ठीक है DNS 2 ये हो ठीक है ना, एक बंदा है क्या नाम है जैसे कि गफार ठीक है उसकी डीएनएस ये हो ठीक है ठीक है, बट लेट्स सपोज यहाँ पर 1000 ठीक बंदे हैं 1000 ठीक बंदे हैं तो अब लेट्स उन क्या करें बेटा वो आपके ना हम यहाँ पे कुछ सेटिंग कर देंगे इसकी मेल मर्जिंग कर देंगे, ये बेसिकली टेम्पलेट है ठीक है बेटा, टेम्पलेट डेटा कहाँ से मिल रहा होगा डेटा यहाँ से मिल रहा होगा ये डेटा बेस का ठीक है, तो यही ये तो बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल मेल मर्जिंग की जो कि हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं, आप जाके देखिएगा क्या नाम है इसको कभी आपको बड़ा फायदा इसका होगा, मेल मर्जिंग जो नहीं करते ना तो इससे बड़ा इसको मतलब जो है ना मैं तो काफी इससे काफी अच्छे काम ऑफिस से निकाले मैंने अभी भी निकाल रहा होता हूँ, तो ये ताकि बेटा आप पढ़िएगा आपके नॉलेज में इजाफा होगा। खैर ये बात तो हो गई क्या नाम है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ दी ठीक है क्या नाम है कॉन्टेक्स्ट है ठीक है, अच्छा लेट सपोज यहाँ पर जो है ना मैं एक काम करता हूँ चलो ठीक है ये तो हो गया क्या नाम, अगर लेट सपोज यहाँ पर जो है ना एक कॉन्फिगरेशन फाइल हो ठीक है उसमें डिफरेंट जो है ना यहाँ पर इस तरह के मतलब जो है ना यहाँ पर ये हो, अब लेट सपोज मेरे पास जो है ना एक पोर्ट पे भाई इसके मतलब इसकी जो है ना ये डिस्क्रिप्शन ये देनी है मुझे स्विच ठीक है बेटा वीएलएन इस पर रखना है और ठीक है, अब लेट सपोज कि ये जो है ना एक मैंने कॉन्फिगरेशन कर दी, अगर लेट सपोज ये जो है ना मतलब मल्टीपल पोर्ट्स पे अलग अलग कमिटी करनी हो
अगर मैं यहाँ के कॉपी इशू करता हूँ यहाँ पे, ठीक है यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ, तीन चार पोर्ट्स लेट्स सपोज कॉपी करता हूँ उसको, दो मुझे कोडिंग करनी है, पोर्ट थ्री पे मुझे ये करनी है, पोर्ट फोर पर ये करनी है, पोर्ट फाइव पे, ठीक है बेटा। अच्छा सपोज वेलेंट है कि 10 करना है, उसका 20 करना है, ठीक है 20 करना है, उसका क्या नाम है, तो मुझे 30 करना है, ठीक है इसका 30 करना, 40 करना है, 50 करना है, लेट्स सपोज, ठीक है हम एक अजीब सी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है अच्छा इसका एक्सेस क्या नाम है, इसका मुझे एक्सेस करना है, इसका मुझे ट्रंक करना है, ठीक है इसका भी टैक्सेस का ट्रंक करना है, ठीक है बेटा। अच्छा ये अच्छा देखो यहाँ पर इंटरफेस, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर यार चलो ठीक है यहाँ पर ठीक है मैंने कॉन्फ्यूजन कर दी, अगर यहाँ पर पोर्ट ज़्यादा होंगी बढ़ती रहेंगी तो बेटा ये रिपीटेशन हो रही नहीं हो रही है। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि अगर आपको टेम्पलेट में कन्वर्ट करना हो उसको, तो टेम्पलेट बेटा क्या होता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ चेंजेबल है और कौन सा पार्ट चेंजेबल नहीं है, अगर मुझे इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट करना हो तो बेटा इसमें कैसे करूँगा, मैं इसको अलग अलग से कर दे रहा हूँ, लेट्स सपोज ये टेम्पलेट है मेरा इसका, अब बेटा चेंजेबल कौन सा पार्ट है इसका अभी तक इस एग्जाम्पल के लिहाज से, ये पार्ट चेंजेबल है वन ऐसा ही है, चलो बता ठीक है यहां आप इसको फास्ट कर लो, अब जरा मीनिंगफुल बन जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर चेंजिंग वाला पार्ट कौन सा है, बेसिकली यहाँ पर इंटरफेस ठीक है बेटा कॉमन है लेकिन ये पार्ट चेंजेबल है, ठीक है अगर मैं इस वाले पार्ट को बेटा यहाँ पर लेट्स सपोज बना दूँ भाई ये पार्ट जो मेरा पार्ट चेंजेबल है, तो ये एक वेरिएबल आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इंटरफेस नेम, ठीक है ये पार्ट की चेंज, अच्छा ये पार्ट बेटा सेम है तो मैंने पार्ट छोड़ दिया। अच्छा यहाँ पर बेटा ये सर्वर पोर्ट चेंज, ठीक है अगर लेट्स सपोज ये अब ये सर्वर पोर्ट है यहाँ पर, मैं कहता हूँ भाई कि ये कोई और सी पोर्ट है, ये अदर पोर्ट है, ठीक है लेट्स सपोज ये डिस्क्रिप्शन है भाई यहाँ पर क्या है, मैं कहता हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन ठीक है नॉट अवेलेबिलिटी लिख देता हूँ, ठीक है ये टेक्स्ट है बेटा, ठीक है कुछ भी हो सकता है, मैं कहता हूँ भाई इट इज ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है इंपॉर्टेंट, ठीक है और ये ऐसी रहेगी। अब देखो बेटा यहाँ पर ये पार्ट भी ठीक है चेंजेबल है, ये वाला पार्ट सेम है और ये पार्ट चेंजेबल है, तो बेटा मैं क्या करूँगा इस वाला पार्ट को भी यहाँ पर इस टेम्पर में ले आऊँगा, टेम्पर बना दिया मैं इसका, ठीक है मैं कहता हूँ सर्वर पोर्ट भाई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मिल रही है बेटा उसके लास्ट बन जाएगा, उसके अलावा बेटा वी लेंथ ठीक है, अब ये पार्ट देखो पूरा कॉमन है, चेंज बेटा सिर्फ कहाँ पर नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है ना आप यहाँ आ जाओ नंबर निकाल के बोलो भाई ये जो है इसका ये वाला पार्ट वी लेंथ नंबर ठीक है जो है चेंज है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर इसका मोड ये पार्ट स्टैटिक रहेगा, हाँ बस यहाँ आएगी वैल्यू तो स्टैटिक आएगी ट्रंक आएगी, तो बेटा ये चेंज कर दो आप उसको कि भाई इसका अपना अपना ये जो इसकी मोड जो है क्या आएगा, ठीक है बेटा। अब ये बेसिकली इसको देखते हुए मैंने एनालाइज किया बेटा, मुझे देखा कि इस वाले डॉक्यूमेंट के लिहाज से ये इसका बना टेम्पलेट बन रहा है, ठीक है इसको बेटा मैं अलग कलर से कर देता हूँ, अगर मैं बल्कि इसको इसको अलग कलर से कर देता हूँ, ये टेम्पलेट ये हो गया, हंसी आवाज आ रही है मेरी आप लोग को, ठीक है ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पर देखो ये जो हमने एनालाइज किया भाई कि इसको देखते हुए डॉक्यूमेंट क्लास से कि ये यार चीजें जो है ना जो चीजें मतलब बेटा फिक्स है हमने लिख दी ब्लैक कलर के अंदर, जो चीजें चेंजेबल है ना ये चेंज हो सकते हैं, अगर कोई बंदा किसी प्रोग्राम के थ्रू इनपुट दे रहा हूँ मुझे, मैं भाई क्या नाम है अगर सिर्फ इनपुट कहीं से लूँ और सिर्फ यहाँ पुट कर दूँ बाकी ये टेम्पलेट बन जाए मेरा, तो कितना ईजी हो जाएगा मेरे मेरे लिए, ठीक है बेटा। तो इसके लिए टेम्पलेटिंग इस्तेमाल होती है। अच्छा ये काम बेटा आप लोग अभी एक चीज पढ़ के आ रहे हैं इसका नाम क्या है एक्सएलटी, आप ये काम वहां से भी कर सकते हैं, आप वहां से काम नहीं कर सकते क्या, अगर लेट सपोज यहाँ पर मैं अगर आपको जरा लेट सपोज मेरे पास जो है ना यहाँ पर एक्सएमएल फाइल बनी हो, मैं बोलता हूँ भाई क्या नाम है कि इसको बोलता हूँ कि भाई ये नेटवर्क इसका मेन वो हो नेटवर्क, ठीक है बल्कि आप लोग मुझे करके दिखाएंगे इस तरह, ठीक है और यहाँ पर तीन टैग बना दो, ठीक है बेटा एक बना दो डिस्क्रिप्शन से बना दो डिस्क्रिप्शन, ठीक है ये एंडिंग हो रही है डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग ये एंडिंग हो जाएगी इसका, ठीक है बेटा एक यहाँ पे ये आ जाएगा इसका, ठीक है और एक आ रहा है स्विच एक्सेस कॉपी करता हूँ उसको मैं, एक आ गया दो तीन, ठीक है इसको स्विच पोर्ट बोल देता हूँ भाई स्विच पोर्ट, ये सब बोलता हूँ मोड है ये मोड है मोड, ठीक है ये वीलन नंबर एक मोड हो गया वीलन नंबर हो जाएगा, एक और कॉपी कर देता हूँ, अगर ये काम से बेटा मैं बोलूँ उस तरीके से करने के लिए
ठीक है, विलन सर्वर पोर्ट, ठीक है, इंटरफेस नेम, तो बेटा ये है कि आप लोग नहीं कर सकते इस, अगर मैं इसको बोलता हूँ इसकी वैल्यू गीगा, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू गीगा, एक वैल्यू इसकी देता हूँ मैं, और एक बोलता हूँ सर्वर, इस रिसेप्शन इसकी सर्वर पोर्ट आती है, वीरन नंबर 10 है, और मोड इसका मैं कहता हूँ उसका एक्सेस है, ठीक है। तो इससे मैं इधर कॉपी करता हूँ डिफरेंट नोड, एक तो नोड बेटा ये हो गया मेरे नेटवर्क का, और इसको ठीक है 2, 3, 4 और हर जगह डिफरेंट वैल्यू देंगे इसकी, इधर छोटा कर दूँ उसको मेरा, ठीक है बेटा। अगर लेट्स सपोज 3 की वैल्यूज भी आ रही हैं, ये आपका टिक आ गया, ठीक है यहाँ पर बेटा डिफरेंट टिक, यहाँ पर 20 की वैल्यू ना, अब ठीक है यहाँ चेंज करते हैं वैल्यूज हम लोग बेटा। अब मसला क्या है, ये क्या इसको एग्जाम्पल को इस्तेमाल करते हैं बेटा, मैं ये टेम्पलेट बना सकता है क्या, यूजिंग क्या नाम है एक्सेसिबिलिटी, बन सकता है इसको जरा बेटा आप लोग क्या नाम है एज्यूम करें, ये बन सकता है नहीं बन सकता है, जरा इसको जहन में लिख रहा है कि अगर मुझे एग्जाम्पल मिल जाए, अगर मैं मुझे मिल जाए एग्जाम्पल बन जाए, ठीक है, और ये इसको मैं एक्सेसिबिलिटी इसके थ्रू एक फाइल बनाऊँ बेटा, इसको ये अगर टेम्पलेट बनाऊँ मैं, ये मुझसे नहीं बन सकता क्या, बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप बना के दिखाएंगे मुझे, आपको मैं गेट ये आपको एक टास्क दूंगा, तो मैं आपको बोल के एक मैं रियल वर्ल्ड की एक फाइल पे लेके, कॉन्फिगरेशन फाइल लेके बेटा आपको भी दूंगा, आपने उस एक्सएमएल के थ्रू जो है ना, आपने डेटा भी दूंगा आपको एक्सएमएल के साथ, उस डेटा को बेटा आपने टेम्पलेट बना के जो है ना आपने ये पूरा बनाना है, ठीक है। अब आपको पता है कि फॉरिश लूप बेटा कहाँ लगेगा, ठीक है, और डेटा मतलब अब नेटवर्क के टैग से डेटा, ठीक है बेटा, कहाँ से कैसे उठ के आएगी, ठीक है ना, आपने खुद देखना है कि डेटा उठ के कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना बेटा। तो आपने उस यूजिंग वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया है, आपने ये टेम्पलेट बनाना है यूजिंग एसएसएलटी, ठीक है ना, ये आपका एग्जाम्पल, ये तो खैर मैंने भी दिखा दिया आपको, अगर डेटा आपको इस तरह मिलता है तो बेटा हम इसके थ्रू भी हम टेम्पलेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबल। लेकिन हाँ, हमारे पास एक लैंग्वेज मौजूद है, इसका नाम है जिंजा, ठीक है बेटा, जो कि इसी काम में इस्तेमाल होती है, ठीक है बेटा, जिसका नाम क्या है जिंजा, ठीक है बेटा, टेम्पलेट लैंग्वेज है। अच्छा, और भी काफ़ी सारी हैं, मतलब उसमें नेटमीको भी है, ठीक है, ठीक है, उसमें एक माको भी, ठीक है, लैंग्वेज है, डिफरेंट ठीक है लैंग्वेज है, ठीक है बेटा, लेकिन हमारे पास जिंजा जो काफ़ी मतलब अपनी काफ़ी कॉमन लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम लोग टैबलेटिंग कर सकते हैं। अब दो हम पढ़ लेंगे, एक जिंजा हो जाएगी बेटा, और ठीक है एक आपने एक्सेसिबिलिटी पढ़ ली है, ठीक है, इसको थोड़ा बेटा आप लोग जो है ना आप ये भी टैबलेट ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल बना के दे दूंगा बेटा आपको, मैं भी क्या नाम है उसमें गिटहब के अंदर, बाकी उसको देखते हैं बेटा आपने एग्जाम्पल बनानी सारी, ठीक है ना। तो ये जिंजा पर आ जाए क्या, हिम्मत है आप लोगों की, इधर एक एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग करवा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू बाद में कर लेंगे, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल करके उसको कर लेते हैं। बस 5 मिनट दो मुझे, बस एक एग्जाम्पल करके ना, बस ताकि मुझे फिर आगे इंशाल्लाह उसको कर देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इसके लिए करना क्या होता है, आप जो है ना अब यहाँ पर मैं अलग से एक बनाऊंगा टेम्पलेट, डेटा मॉडल उसका हम यहाँ पे कर देते हैं फोल्डर से नाम है जिंजा, ठीक है जी, जिंजा में आते हैं यहाँ के हम लोग, इसको स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को, खोल लिया था मैंने, बेटा ये लैंग्वेज करती क्या है, दरअसल को थोड़ा पहले बेसिक जरा आते हैं कि जिंजा ठीक करना क्या है। अच्छा बेटा, टेम्पलेट जो है ना ये एनाकोंडा में स्टॉल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जिंजा होता है, ठीक है, इसको अगर स्टॉल आपने नहीं करना पड़ता तो इसको हम ठीक है यहाँ से सिंपल लिखते हैं जिंजा 2, ठीक है, इम्पोर्ट टेम्पलेट, ठीक है, हम क्या करेंगे इसको इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी हैगा, ठीक है, एरर नहीं आया तो बेटा इट मीन्स ये हमारे पास टेम्पलेट मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा, मैं सिंपल चाहिए यहाँ पर जो है ना एक मैं एक इनपुट देता हूँ, नेम इनपुट इंटरव्यू नेम, ठीक है, और क्या करता हूँ मैं इनपुट लेने के बाद जो है टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट पे ठीक है यहाँ पर कॉन्टैक्ट कीवर्ड होता है, हेलो
आप में से कोई बंदा यहाँ पर जरा मुझे लिख के बताएगा, कोई बंदा वेब प्रोग्रामिंग कभी किसी ने की है कभी, मतलब पीएचपी के ऊपर या लारावेल या रेजर वगैरह पे काम किया, एमवीसी लारावेल या पीएचपी वगैरह पे, कोई वेब डेवलपमेंट में यहाँ को बिलोंग करता है किसी ने कभी? मैं तो कुछ नाम लिख रहा हूँ, किसी ने इस पर जरा कोई काम कभी किया है क्या, जैसे कि लारावेल, ठीक है, ठीक है, एमवीसी, ठीक है, रेजर, ठीक है, उसके अलावा वेब से कोई बिलोंग करता है डेवलपमेंट से? कोई भी एक बंदा हो जो वेब डेवलपमेंट कभी किसी ने की हो, थोड़ी बड़ी की हो, पीएचपी, लारावेल, एमवीसी, रेजर वगैरह, अगर आपने वो की होती है शायद आपको मेरे ख्याल में ये चीज़ है, या किसी ने रिएक्ट, रिएक्ट पर काम किया आप लोग, रिएक्ट पर, कोई रिएक्ट पर? वर्डप्रेस तो बड़ा डिफरेंट चीज़ है, वर्डप्रेस तो थोड़ा वो सेम एज फायर था, मतलब रिएक्ट, लारावेल, एमवीसी, रेजर का कोई बच्चा जावास्क्रिप्ट पर काम किया, ठीक है, अच्छा, कोई वेब से बिलोंग यहाँ पे कोई नहीं करता, वेब सीख रहे हो, ठीक है, गुड, चलो ठीक है सर। वरना क्या नाम है, लैम्डा एक्सप्रेशन पे काम, मतलब वो फैट एरर जो होता है वो कर लिया, चलो खैर ठीक है। असल मैं सब कुछ सोच रहा था कि हम कुछ तरह का हम ना एक कोर्स एंड एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम मतलब उसमें लिनक्स की वर्चुअलाइजेशन, एसडीएन, ठीक है, और क्या नाम है, वेब को मिला के ना पूरा बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं कि डेटा डिवाइस पर क्या आता है, डेटा शोर भी होता है वेब पर आकर। तो आप थोड़ा पढ़ना इसको, अगर हम इंशाल्लाह फाइनल प्रोजेक्ट बनाए ना इसके ऊपर इस कोर्स का, तो कुछ मतलब इंटरेक्टिव सा, उसमें वेब भी आ रही हो उसके अंदर, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन भी आ रही हो उसके अंदर, एसडीएन कंट्रोलर्स भी हो, तो कुछ इस तरह की चीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। एनी वैसा उसके लिए फिर था, अगर आप पढ़ते ना आपको फिर ये टेम्पलेटिंग लैंग्वेज वगैरह काफ़ी ईजी लगती है क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ, ठीक है, ऑलरेडी हो रही होती हैं। हाँ एनी वे, ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने नेम पुट लिया है टेम्पलेट, ठीक है बेटा, मैंने बनाया उसके अंदर जो है ना, फिर मैं शो करता हूँ मैसेज, टेम्पलेट डॉट रेंडर नेम इज इक्वल टू, सर ये तीनों को पढ़ना है? नहीं पढ़ना नहीं है, सॉरी मैं बता रहा हूँ पढ़ना नहीं है, मैं अगर किसी ने अगर पढ़ी हुई ना तो मैं आपको प्रेस होता है जी, सॉरी ये पूछ रहा हूँ कि ये अगर कोई ऐसी सीखने के लिए पढ़ना चाहे तो ये तीनों को सीखना है या फिर रिएक्ट? बेटा अगर आपने स्टार्क करना है तो सबसे बेस्ट रिएक्ट है, अगर आप रिएक्ट पर आ गए हो तो अच्छी बात है फिर तो, क्योंकि असल में एमवीसी एक माइक्रोसॉफ्ट की अलग, ये तो पूरी एक कहानी होती है इसकी, लारावेल इनकी अपनी मार्केट वैल्यू बहुत है, लेकिन अगर आप रिएक्ट पे आ गए तो बेटा बहुत अच्छी बात है डायरेक्ट इस पर, क्योंकि जो लोग यहाँ पर हैं और जो यहाँ पर डायरेक्ट अब रिएक्ट पर आ रहे हो तो बेहतर है क्या स्टार्टिंग आप रिएक्ट से कर लो। देखो असल में मसला है ना कि भले प्लेटफॉर्म लारावेल हो, भले एमवीसी हो, भले रिएक्ट हो, हमें तो डेटा जैसे से मिलेगा, जैसे से डेटा शो हमें करना है वेब के ऊपर, ठीक है ना बेटा, हम डेटा उठा के जैसे से लेके आएंगे, जैसे से डेटा शो इस तरह कर देंगे। आप भले रिएक्ट पर काम करो अच्छी बात है फिर तो, फिर आप रिएक्ट पर रहो, ठीक है ना, अगर रिएक्ट पर बेटा काम करो तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। अच्छा इसको मैं यहाँ पर एक प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट मैसेज। अच्छा बेटा देखो यहाँ वो कह रहा है, अगर मैं यहाँ पर इस आपसे नाम इनपुट लिया, मैंने यहाँ पर नाम लिखा भाई, जैसे कि मेरा नाम मैंने लिखा गुलरेज, ठीक, इंटर कर दिया, क्या किया बेसिकली, शो किया इसने, देखो हुआ क्या, एक टेम्पलेट बना बना रखा हुआ, इसका नाम है हेलो, ठीक है बेटा, उसमें ठीक है टेम्पलेट बेटा ये जो है ना, ये इट इज कॉल एक्सप्रेशन जाती तुम्हारी, ये जो है ना हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है टेम्पलेट का, ये स्टैटिक पार्ट है बेटा, ये पार्ट इसका चेंजेबल है, जो कि इनपुट मिल रहा होगा कहाँ से, बाहर से मिल रहा होगा, ठीक है, वो इनपुट यहाँ से मिल रहा है, ठीक है बेटा। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पर दो नेम आ रहे हैं, बल्कि इसका नाम जो है ना यहाँ पर आप कह लो इसका नाम ई नेम कह लो, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो बेटा यार माइक किसी का मेरा कर रहा है, बंद कर दे अगर, ठीक है बेटा, आपने यहाँ पे जो ना इनपुट दिया, इंटर नेम दिया, ठीक है ना, आप इनपुट लिया जो कि सिंपल पाइथन कोड है। अच्छा आपने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाया जो कि बेटा जिंजा के अंदर, ठीक है, हमने इसको ठीक है इम्पोर्ट भी किया था। अच्छा टेम्पलेट के अंदर बेटा फिक्स वाला पार्ट ये है और ये पार्ट चेंजेबल है, जो कि इनपुट मिलेगा कहाँ से, बाहर से मिलेगा, ठीक है, नेम ये वेरिएबल है बेसिकली, ये एक एक्सप्रेशन है बेसिकली, ये तुम्हारे पास बेटा क्या है, इट इज एक्सप्रेशन जो कि चेंजेबल है, ठीक है बेटा। अब वो कहाँ से मिल रही है, देखो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक टेम्पलेट में, ठीक है बेटा, गए आप रेंडर करवाया, रेंडर क्या करवाया, अब देखो चेंजेबल पार्ट क्या है, नेम है, ठीक है बेटा, आपने नेम की वैल्यू कहाँ से दी है, ई नेम, जो कि बाहर से मिल रही है, सिंपल लफ्ज़ बेटा क्या, आपको नेम कहाँ से मिल रहा है, आपको नेम यहाँ से बाहर से मिल रहा है, ठीक है, ये जो कि आपने दिया, अब ये नेम बेटा यहाँ चले जाएगा, वो ये प्रिंट कर देगा,
सिंपल कहानी हो रही है, ठीक है। इसको अगर आप डायरेक्टली करना है विदाउट इनपुट, आप यूँ भी कर सकते हैं, आप छोड़ इनपुट को, आप डायरेक्ट क्या करो भाई यहाँ पर आकर हेलो, और यहाँ बोलो भाई इसके अंदर आपने नेम देना क्या, हेलो कहता हूँ भाई इसका नाम है, ठीक है। देखने बेटा यहाँ पर प्रिंट कर देगा उसको, ठीक है। ये पार्टी के बेटा हमारे पास जो है क्या नाम है, या इसको अगर मैं और थोड़ा स्पेसिफिक करता हूँ, अगर टेम्पलेट के लिहाज से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ और यहाँ बोलता हूँ भाई कि अगर लेट्स सपोज जैसे हमने वो बनाया था ना अभी, उसको हम बनाते हैं टेम्पलेट को उस तरीके से, अब उसे कॉपी करते हैं ज़रा, यह वाला पार्ट कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ के इसको मैं कहीं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रखकर कर दे रहा हूँ मार्कअप ताकि वो कोडिंग वगैरह रहना है। ओहो ठीक है बेटा, यहाँ पर रखकर अब देखो यहाँ पर ये पार्ट फिक्स था बेटा, मैंने लिख दिया इंटरफेस, लिख दिया इंटरफेस, ठीक है। अब ठीक है बेटा, इंटरफेस वैल्यू मुझे कहाँ से मिल रही है, इंटरफेस मुझे वैल्यू बाहर से मिल रही है, इंटरफेस लिख दिया मैंने इंटरफेस, ठीक है, स्लैश एन, ठीक है, मतलब इंटर जो आएगा उसके बाद में क्या है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपने ले ली, ये कॉपी किया उसका मैंने, लेट्स सपोज यहाँ की कॉपी किया, और ये सर्वर पोर्ट के बेटा यहाँ पार्ट मेरा जो है ये पार्ट मुझे ठीक है बाहर से मिल रहा है, ठीक है। फिलहाल इसमें दो चीज़ देखी भाई, डिस्क्रिप्शन में लिखी कि भाई डिस्क्रिप्शन मुझे बाहर से मिल रही है, ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया, फिलहाल दो चीज़ें करता हूँ मैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है कि इंटरफेस वाला पार्ट जो है ये फिक्स है भाई टेम्पलेट का, ये पार्ट मुझे इनपुट मिलेगा बाहर से मिलेगा, ठीक है। सेम ठीक है, एंटर मैंने कर दिया, उसके बाद फिर क्या यहाँ पर एंटर टैब भी कर दो, स्लैश टैब, ठीक है। फिर ठीक है बेटा, ये पार्ट और ये पार्ट फिक्स है, बाकी ये पार्ट मुझे मिल रहा है बाहर से, ठीक है, इनपुट ऐसा वेरिएबल मिल रहा है, ठीक है बेटा। अब मैंने करना क्या, मुझे बस यहाँ आके रेंडर करवाना है टेम्पलेट। अब बेटा देखो ये मुझे ये चाहिए वैल्यू चाहिए इसकी, है ना, और ये चाहिए वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा ये, ठीक है। मैंने बोला इंटरफेस बेस का जो है वो ये है गीगा, ठीक है, मैंने कॉपी कर दिया इसको, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है भाई वो सर्वर पोर्ट है ये है। फिलहाल चेक करता हूँ मैं इसका आउटपुट क्या था, प्रिंट कर दे रहा मैसेज, अच्छा डिस्क्रिप्शन इंटरफेस डिस्क्रिप्शन सर्वर पोर्ट सॉरी डिस्क्रिप्शन ये हाँ भाई, कुछ माइंड बन रहा है नहीं बन रहा, क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आपने इसको ये कर दिया, फिर आप यहाँ पर जरा इंटर दोबारा कर दो, इंटर स्लैश इंटर स्लैश इंटर, ठीक है भाई। स्विच पोर्ट मोड ये पार्ट फिक्स है, ये पार्ट फिक्स है भाई, और वी एन नंबर ठीक है भाई यहाँ पर आप ये दे दो, वी एन नंबर तुम्हारा क्या है, वी एन नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो कॉमा लगाना वी एन नंबर, ठीक है। यहाँ पे टैब भी लगा दो जाके वो कुछ, ठीक है। तो बेटा ये बेसिकली हम देखो टेम्पलेट से बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या नाम है ये आपका, अच्छा टेम्पलेट बना हुआ है, अच्छा इसको यहाँ से आपने किया एक मैसेज, अगर मैं यहाँ पे तो हमारे पास लेट्स सपोज ये है, मेरे पास जो है ना कॉन्फ़िगरेशन वन है, ठीक है, मैंने टेम्पलेट वन ठीक यूज़ की। अब मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन टू बनाऊँ, ये तो हो गया ना। अब टेम्पलेट पे ठीक है बेटा सेम है मेरे पास, ठीक है, अब वेरी डिफरेंट आ रही है। अब मैंने यहाँ बोला भाई इसकी जो पोर्ट है वो फास्ट एथरनेट, क्या नाम है यहाँ पर फास्ट एथरनेट, ठीक है भाई, ये 0/1 है, और इस सर्वर यहाँ पर कुछ और दे रहा भाई कि ये जो है मेरी सैम्पल डिस्क्रिप्शन है भाई, ठीक है, और वेरिएंट नंबर 20 है, ठीक है बेटा। अब क्या होगा यहाँ पर आकर, और इसको मैंने यहाँ पर ठीक है इसको सॉरी कॉपी कर दिया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया, इसे टू करता हूँ, ये कॉन्फ्यूजन टू है मेरी, और यहाँ क्या इसको मैंने प्रिंट कर दिया, क्योंकि बेटा यहाँ पर आकर देखो इसने प्रिंट कर दिया। अब टेम्पलेट बेटा सेम है, ठीक है, टेम्पलेट हमारा बना हुआ ही है, और उसके टेम्पलेट की बेटा बेस हम जो है ना यहाँ पे इसकी ठीक है फाइल जो है अलग बना जा रहा है, इसको भी अलग कर दो ताकि आपको ये टेम्पलेट बेटा अलग नहीं है मेरा, उसकी बेस में ये बनाया और ये बनाया, ठीक है। इस तरीके से आप फिर लूप लगा के मल्टीपल बना सकते हैं, आप क्या पता डिक्शनरी मौजूद आपके पास, एक डिक्शनरी हो या एग्जाम्पल हो, उसको लूप बना के आप ठीक है बेटा डिफरेंट तरीके से ठीक है बना सकते हैं। तो बेसिकली ये टेम्पलेटिंग होती है जो कि इस्तेमाल हमारे पास होती है अपने पास, जो हमारे पास डिफरेंट हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा हाँ, टाइम तो नहीं बचा, तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से जिंजा ठीक है टाइम करती है एज अ टेम्पलेटिंग लैंग्वेज।
ठीक है, तो काफ़ी इजी है, लेकिन मैं आपको कुछ टास्क दूंगा इंशाल्लाह जो कि बेटा आपने टेम्पलेट्स बनाने हैं यूजिंग एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो वो आपने आपको बेटा आपको टेम्पलेट एक्सएमएल फाइल दे दूंगा आपको मैं डेटा की, और आपको टेम्पलेट खुद बनाना है। देख आपको एक्सएमएल दूंगा भाई, मैं बोलूंगा इस एक्सएमएल से आपने मुझे डेटा ये चाहिए, तो यूजिंग टेम्पलेट्स बेटा आपने जो डेटा मुझे शो करना है वो हम कोई भी अपनी एग्जाम्पल ले लेंगे जो हमने सीसीएनए में किए ना, तो बेटा हम जो है ना क्या नाम आपको देखे ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एक जो है ना, या किसी भी मैं आपको नेट से उठा के कोई फाइल दे दूँ कॉन्फिगरेशन फाइल बेटा, और थोड़ा प्रैक्टिकल काम होगा आपको, मतलब थोड़ा टास्क मुश्किल भी होगा, थोड़ा दिमाग लगा के बेटा आप लोगों ने ठीक है चीज़ें करनी है, क्या पता उसमें कुछ चीज़ें एक्सेसिबिलिटी की हमने कवर ना भी की हो, आप तो नेट पे देख के जो है ना चीज़ें कवर करके बेटा, तो मुझे एग्जाम्पल बेटा इंशाल्लाह इस वीक आपने देनी मुझे वो, तो आपको टास्क इंशाल्लाह मिल जाएगा आजकल के अंदर, ठीक है ना। तो इतना आज खत्म करते हैं इसको, आज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बेटा को ठीक है आगे बढ़ाएंगे। जी, कि सर हम जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर में लास्ट थर्ड वीक जो हम लोगों ने नेटवर्किंग की वो लैब की थी, जी जी बेसिक कमांड देखा था नेटवर्किंग का, जी जी तो सर उसमें हमारा लाइट का इशू था, तो इस वजह से हमने वो वीडियो हमें नहीं मिली अब तक, वर्चुअल लिनक्स की तो मिल गई है। अच्छा अच्छा वर्चुअल नेटवर्किंग की, जी जी अच्छा अगर तो रिकॉर्ड होगी तो मैं आज ना इंशाल्लाह उसको ना जरूर शेयर। टॉपिक का नाम बेटा क्या, टॉपिक का नाम देख लो क्या था, टॉपिक का नाम और मुझे डेट अगर बता दें एग्जैक्ट, मेरा लैपटॉप अभी बंद हो गया फिलहाल सर। ये टॉपिक का नाम ये था कि आई थिंक वो था नेटवर्किंग इन लिनक्स प्रैक्टिकल कमांड। अच्छा यार मुझसे ठीक है, एक मेरी तरफ से भी जो है ना एक थोड़ा एक है, मैं अभी तक मैंने पाइथन का डेटा सारा रख दिया है, सीसीएनए का डेटा सारा रख दिया है, बस नेटवर्क जो है ना लिनक्स का थोड़ा डेटा मुझसे रह गया रखने के लिए, ठीक है वो बेटा मैं बना के इंशाल्लाह ताला आपको दे भी दूंगा उसकी जो मटेरियल वगैरह, लेकिन वीडियो जो है ना उसको प्रोवाइड कर दे क्या नाम है अगर हसीब आपके पास हो ना, मैं भी देख लूंगा, आप भी देख लें, बस लाइट आती है ना थोड़ा लैपटॉप चार्ज करके मैं देखता हूं। बेटा प्रैक्टिस ठीक है आप लोग स्टार्ट करते हैं, अब चीजें थोड़ी मुश्किल होती आएंगी, तो प्रैक्टिस की नहीं प्रैक्टिस की वजह से ही मैं कह रहा था कि क्योंकि प्रैक्टिस की नहीं है उसकी, लाइट नहीं था वो। अच्छा अभी तक मैं आपको बेटा अभी तक सीसीएनए का सारा जो हमने पढ़ा है वो अपलोड मैंने गिटहब पे कर दिया है, मैंने पाइथन का कर दिया सारा, मैंने इसका ये अभी तक जो हम पढ़ा रहे हैं कर दिया है, बस लिनक्स का थोड़ा रह गया बेटा, वो जो है ना क्या नाम हम लोग क्या नाम है वो देख के ये क्वार्टर कब तक चलेगा बेटा, ये जरा सवाल टेकेंगे सवाल अभी तक हमें भी नहीं पता, इसको पूछ के आपको आदिल भाई से थोड़ा हमारा मिसकम्युनिकेशन थोड़ी बहुत हो नहीं पा रही कम्युनिकेशन, तो वो पूछ पाछ के जो है ना बेटा हम बताएंगे आपको कब तक चलेगा क्या होगा, क्योंकि हम लोग भी बस समझ लो कि फ्लाई मोड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई इस तरह की मीटिंग हो नहीं पा रही फिजिकल ना ही कोई कॉन्टेक्ट इस तरह का भी है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि जो पूछनी है पूछ के इंशाल्लाह बताएंगे आपको, पहले हम पता कर लें फिर आपको इंशाल्लाह बता देंगे कब तक चलेगा, ठीक है जी। आपको क्या बोर हो गया पढ़ने में, आप लोग के मजा नहीं आ रहा क्या जो आप क्वार्टर एंड करने पे लगे हो, मुझे ऐसा अभी तक हो सकता है कि हम जो चीजें कवर कर दी सर क्वार्टर नंबर थ्री के अंदर हो, तो असल में कुछ कम्युनिकेशन का थोड़ा मसला, मैं चाहूंगा चीजें पढ़ते रहे बस, तो वहां से पूछ के बेटा आपको बता देंगे क्वार्टर एंड हो चुका है या हम थर्ड क्वार्टर में आ चुके हैं, जो चीज भी है वो इंशाल्लाह आप इस वीक पूछ के ना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ यार हाँ फोर्थ क्वार्टर जो है ना वो कुछ चीजें जो ऑनलाइन होनी भी चाहिए, तो देखते इंशाल्लाह क्या होता है इंशाल्लाह, ठीक है बेटा इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं कल इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।